हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जेवन स्टडी। माय नेम इज़ प्रियांशु दुबे। सुबह के टाइम में मैं डिस्कस कर रहा था पेपर के बारे में आरओ के, तो वो मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो उसमें लगा नहीं है चार्जिंग पे। तो उसके आगे थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद मैं पीसीएस आपको बताऊंगा अपर 2021 में क्या रणनीति, किस प्रकार से हम लोग चलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। पीसीएस 2021 के बारे में बात करेंगे, कितने पद हैं, एसडीएम के पदों की संख्या कितनी है, डिप्टी एसपी कितने हैं और कितने लगभग कितने पद तक पहुंच जाएंगे। मैंने पहले भी बोला चुनावी दौर है, कई चीज़ें आपको इसमें फ़ायदा 2021 में यही फ़ायदा होने वाला है कि सीट्स बढ़ के आएंगी, शुरुआत में कमी रहेंगी लेकिन बढ़ जाएंगी, अंत तक आते आते प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के आते आते सीटें बढ़ चुकी होंगी। तो मैं सुबह चर्चा कर रहा था आपसे रिव्यू ऑफिसर के बारे में, थोड़ा कर लेता हूँ क्योंकि हल्का सा छूट गया वो। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक चर्चा कर ली थी कि हिंदी कन्वेंशनल ड्राफ्टिंग पेपर में आपको ये सब मिलेगा, टेबुलर टेबुलर में जनरली 15 में 12 मार्क्स मिल जाते हैं बहुत आराम से, ये सबसे कठिन पोर्शन मानते हैं लोग, लेकिन इसमें भी बहुत आसान है। अगर शासकीय पत्र आ गया तो परिपत्र में बहुत कठिनाई नहीं होगी, अनुस्मारक में कठिनाई नहीं होगी, कार्यादेश सबसे सिंपल है, सबसे आसान यही है। ठीक है, तो धीमे धीमे करेंगे क्या क्या किस प्रकार से होता है। सुबह के लेक्चर में भी मैंने थोड़ी बहुत इसकी चर्चा की है, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, मुहावरे लोकोक्तियाँ जनरली रिपीट हो जाते हैं, ये वर्ड नए नए पूछे जाते हैं, तो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तो उस पीडीएफ के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें बस वहीं पे रट्टा लगानी है। ठीक है, समझना नहीं है या रट्टा लगाना है सीधा सीधा। कुछ वर्ड जो जनरली आते हैं कि हाँ योजना का इंग्लिश क्या होगा, अधिशेष का इंग्लिश क्या होगा, अभिकर्ता का इंग्लिश क्या होगा, तो कुछ शब्द जो ऐसे हैं जैसे जो जनरली दिखते हैं कि हाँ ये हमको पता होने चाहिए, अनिवार्य बार बार हम प्रयोग करते हैं, इसका इंग्लिश क्या होगा, ये सब चीज़ें इसमें पीडीएफ में प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो पढ़ लेंगे। कंप्यूटर ज्ञान, मैंने जैसे कि बोला कि कंप्यूटर ज्ञान सबसे आसान आसान पोर्शन है ये, यहाँ पर मैं आपको जितना इजी वे में समझा पाऊँगा उतना इजी वे में मैं आपको यहाँ पर रैम रोम, इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैन वैन मैन क्या है, प्रोटोकॉल कौन सी होती है, टोपोलॉजी क्या होती है, ये सब चर्चाएं, कंप्यूटर की जनरेशन कितनी है, क्या क्या उसमें सी लैंग्वेज जावा लैंग्वेज क्या है, तो ये सब बता दूंगा बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो आसानी से आपको तैयार हो जाए। सुपर कंप्यूटर क्या है, परम सिद्धि क्या है, ये सब चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें 60 मार्क्स का मेंस में हिंदी आती है, वहाँ पर आपने देखा होगा पर्यायवाची था, यहाँ पर पर्यायवाची नहीं दिया हुआ है। ठीक है, पर्यायवाची मेंस में पर्यायवाची नहीं पूछा जाता, प्री में पर्यायवाची पूछा जाता है। मेंस में आपको छः छः, वहाँ पर 10 10 क्वेश्चन आते थे, यहाँ पर छः छः क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ छः छः क्वेश्चन, विलोम छः, वाक्य में वर्तनी शुद्धि छः, अनेक शब्दों में एक शब्द छः, तत्सम तद्भव छः, विशेष विशेषण छः, दो दो मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ये। टोटल 60 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जहाँ पर अगर पेपर आसान आया तो आप आराम से 58 या 56 तक आप मार्क के आएंगे, अगर पेपर आसान रहता है तो। पेपर टफ रहेगा जैसा 2016 का पेपर आया, अगर उस तरीके का पेपर हुआ और थोड़ा सा आप, क्योंकि अब आप उसके पैटर्न को समझ गए कि टफ भी कर रहा है, तो आप उसी स्तर का पढ़ के जाएंगे, तब ये होगा कि आप हाँ 40 48 प्लस तक भी आप आराम से पहुंच जाएंगे। यहाँ मेहनत करने की चीज़ है, ये मेहनत करनी पड़ेगी। अगर प्रारंभिक परीक्षा में हिंदी अच्छे से तैयार की है, तो मैंने आपसे बोला था 50% आप मेंस की तैयारी कर चुके हैं, अगर आपने हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में तैयार की है। ये सब्जेक्टिव रहता है, सॉरी ये ऑब्जेक्टिव रहता है, ये सब्जेक्टिव लिखा है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, विकल्पीय रहता है, इसमें आपको विलोम शब्द लिखने नहीं होते, विलोम दिया रहेगा कि बताइए इसका जारज का बताइए विलोम क्या हुआ, ऑप्शन दिया रहेगा ए बी सी डी ऐसे। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, जीएस भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगी, हिंदी ड्राफ्टिंग में आपको सब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ये सब लिखने को आपको आएगा, टेबुलर फॉर्म बनाइए, शासकीय पत्र लिखिए, कार्यालयादेश के बारे में लिखिए, परिभाषा दीजिए और लिखित प्रारूप बताइए, अंग्रेजी से हिंदी इस शब्द को क्या बोलेंगे, जैसे लिखा रहेगा अनिवार्य की अंग्रेजी क्या होगी इसको बताइए, 5 शब्द दिए रहेंगे उनको आपको लिखना होगा। कंप्यूटर ज्ञान में जैसे लिख देगा कि बताइए सॉफ्टवेयर क्या है, इस कितने प्रकार का होता है, परिभाषा दीजिए, ये ऐसे प्रश्न रहेंगे। ठीक, इसके बाद आपका एक पोर्शन होता है जो कि 120 मार्क्स का आपका ऐसे रहता है, निबंध आता है, हिंदी निबंध, इसमें आपको हिंदी में ही लिखना होता है, इंग्लिश मीडियम वाले खासकर इस पर ध्यान देंगे, रिव्यू ऑफिसर में आपको निबंध इंग्लिश में नहीं लिखना होता, हिंदी में लिखना होता है, इसको आप हिंदी में लिखोगे। ठीक है, हिंदी में ही ऐसे लिखा जाएगा, इंग्लिश में नहीं लिखा जाता ये। तो इसमें 9 ऐसे आते हैं जिसमें आपको 3 लिखने होते हैं। ठीक है, 9 ऐसे आपके पास रहेंगे, इसमें से एक कोई लिखना होगा आपको, इसमें से सेकंड में से कोई एक लिखना होगा और थर्ड में से कोई एक विषय पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी जब आप प्री निकाल लेंगे तो एक चर्चा, छोटी सी चर्चा, ज़्यादा बहुत बड़ी चर्चा ना करते हुए, साहित्य और संस्कृति क्या है, समाज क्या है, साहित्य का समाज पे असर क्या है, समाज से साहित्य और साहित्य से समाज की परिकल्पना क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेंगे।
साथ में कुछ आईआर के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, जो कॉमन सी चीज़ें हैं जैसे भारत चीन, भारत बांग्लादेश, ये सब चर्चा कर लेंगे। साथ में इसके हम लोग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत, मैंने आपको बताया भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत के साथ वेस्ट एशिया का संबंध, या फिर और चर्चाएं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, सबकी चर्चा कर लेंगे। या डिप्लोमेसी भारत किस टाइम कैसी चल रही है, क्या कर रहा है भारत इस टाइम, ये सब चर्चा करेंगे। करेंट में कुछ चल रहा होगा, प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, सूखा, तो ये निबंध उस तरीके से आपको पढ़ना होता है जो करंट में चल रहा हो। ठीक है, करंट में जो चीज़ चल रही होगी, जैसे भूकंप पे बड़ी चर्चाएं हो जाती हैं, कभी झटके लग जाते हैं आपको कहीं पर भी, दिल्ली में बैठे झटके लग गए, है ना। बाढ़ की चर्चाएं भी बीच में होने लगी थी बहुत ज़्यादा, तो आपको ऐसे निबंध पढ़ने हैं जो करंट में चल रहे होंगे। तो मैं आपको टॉपिक दे दूंगा, जब आप प्री निकाल चुके होंगे तो मैं आपको वो टॉपिक दे दूंगा कि आपको हाँ इन इन टॉपिकों पर फोकस करना है। ठीक, ये मान के चलिए कि हर साल यहाँ से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, और डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट ऐसे आता है इस पर्टिकुलर एरिया से, डायरेक्ट ऐसे आता है, ये डायरेक्ट ऐसे पूछता है। जनरली महिला के ऊपर बात करने लगेगा, बच्चों के ऊपर बात करने लगेगा, समाज पर बच्चों की रचनात्मकता का असर क्या है इस पर बात करने लगेगा। तो ये सामाजिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण में प्रौद्योगिकी, और साथ में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, या फिर राष्ट्रीय विकास योजना, जैसे कि बात करें तो आयुष्मान भारत, ठीक, या फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड स्कीम, है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में पूछ ले, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऐसे स्कीम, कोई भी ऐसी स्कीम रख के पूछेगा आपसे, नमामि गंगा, अर्थ गंगा, जो आपको जनरली पता होनी चाहिए क्योंकि करंट में चल रही होगी, ठीक है, डिजिटल इंडिया, ऐसी स्कीम रख के वो आपसे पूछ लेगा। तो अगर आप इस पर ऐसे लेके आते जनरली, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि जनरली ये वाला पॉइंट लोग छोड़ के चले जाते हैं, ये नहीं करते हैं, ठीक है। इस पर अगर आप लेके आएंगे, ये मैं बताऊंगा कि कहाँ पे मार्क्स उठते हैं ऐसे में, कहाँ पे क्या गड़बड़ हो जाती है, ये चर्चा करेंगे जब ऐसे की बात करेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं पीसीएस 2021 की, कितने पद हैं, क्या हैं, क्या नहीं है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। वो तो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया क्योंकि वो छूट गया था। तो देखिए, यूपी पीसीएस 2021, इसके बारे में सबसे पहले तो ये चर्चा है कि इसके पद के बारे में अगर चर्चा कर ले, तो देखिए अधियाचन धीरे धीरे मिल रहा है, पेपर इसका 13 जून को है, तो ये है कि आपको फेब्रवरी एंड तक, मोस्ट प्रोबली फेब्रवरी के थर्ड वीक में मोस्ट प्रोबली आपको नोटिफिकेशन, या सेकेंड वीक में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसमें पदों की संख्या ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, जब तक इसका रिजल्ट ये निकालेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तब तक क्योंकि चुनावी दौर चल रहा होगा, इसलिए पदों की संख्या बढ़ेगी। ये बहुत ही संभावना है कि 700 750+ तक पद तो रहने ही रहने वाले, इतने रहने चाहिए, उतने रहेंगे। चुनावी दौर है तो इतना करने की कोशिश वो खुद ही करेंगे कि यहाँ पद बढ़ा के दिए जाए, ठीक। लेकिन हाँ, ये श्योर है कि इसमें अभी तक 80 पद का अधियाचन एसडीएम का, ये है 80 पद लगभग एसडीएम के हैं, बहुत आराम से हैं। तो ये हमको सबको, मतलब आपको बेसिकली फोकस तो यहाँ 80 पदों पर ही करना है, देखा जाए तो, है ना। डिप्टी एसपी के भी जैसे 2020 में पद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर 40 पद हैं अभी तक। तो इस प्रकार अगर देखेंगे तो आपकी कैटेगरी जनरल सामान्य स्नातकों के लिए पदों की संख्या अच्छी खासी रहेगी, ताकि उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए 2020 में, जैसे 2021 में, जैसे 2018 में पद बहुत सारे रहे थे, एसडीएम के पद ज़्यादा थे, डिप्टी एसपी के पद थे अच्छे खासे, वैसे ही 2021 में कुछ कुछ होगा, ठीक है। उसी प्रकार से पद होंगे, लगभग लगभग 750 के आसपास पद दिखाई, ज़्यादा ही दिखाई देंगे आपको, अंत होते होते बहुत ज़्यादा पद पहुँच चुके होंगे। सामान्य स्नातकों के पद भी अच्छे खासे होंगे, ठीक है। एसडीएम खासकर मैं अभी बोल रहा हूँ, 80 के अराउंड पद एसडीएम के हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो पता है एकदम श्योरिटी के साथ, और 40 पद अभी डिप्टी एसपी के हैं, जीआईसी प्रिंसिपल के भी 280+ पद लगभग हैं, ठीक। तो धीमे धीमे जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो इसकी चर्चा शुरू करने से पहले यूपीपीएससी 2021 की कंप्लीट स्ट्रेटजी, इस प्रकार से हम लोग चलने वाले हैं, सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या है, तो इस चयन प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग जान ही रहे हैं कि पहले प्रीलिम होता है, उसके बाद मेंस होता है, और अंतिम आपका जो स्टेप है वो है इंटरव्यू, ठीक। प्रीलिम का मेंस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब प्रीलिम के मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होते, ठीक। प्रीलिम एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इसमें आपको एक कट ऑफ क्लियर करना है, उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर कर गए तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। मेंस के मार्क्स इंटरव्यू के साथ ऐड होके आपका फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक। तो प्रीलिम में भी दो तरह की चीज़ें होती हैं, प्रीलिम जब होगा तो उसमें आपके दो पेपर होंगे,
पेपर वन जो कि जनरल स्टडी फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आपको वही सामान्य इतिहास, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, भूगोल के बारे में, ईवीएस एनवायरनमेंट के बारे में, साइंस के बारे में, जनरल घटनाक्रम जो चल रहा है, करंट अफेयर, वो सब आपको चर्चा, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये 150 टोटल क्वेश्चन की संख्या 150 होती है। इस 150 क्वेश्चन के टोटल मार्क्स होते हैं 200, अराउंड 1.33 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक, टाइम आपको 2 घंटे मिलेगा, मोर देन सफिशियंट टाइम आपको दिया जाता है जीएस के पेपर में। इससे पहले ही आप पेपर करके बैठ जाओगे। ठीक, पेपर जीएस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आराम से हो जाता है, टिक 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 होता चला जाता है। तो इसके भी विस्तृत चर्चा करते हैं। इसके साथ में एक सी सेट एग्ज़ाम होता है, जिसे हम लोग जनरल स्टडी 2 कहते हैं। इस सी सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और आपको 33% इसमें गेन करना होगा। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 66, और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो 100 में से 33 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक, तो कई लोग इसी में लड़क जाते हैं कि अरे सी सेट ही में फेल हो गए, यहाँ नंबर आ गया 120 और यहाँ फेल हो गए, पता ही नहीं है फेल हो गए, पता नहीं लग रहा, और यहाँ इतना अच्छा मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी कि 120 में भी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में नहीं, 120 मार्क्स में सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ। ठीक, तो ये सी सेट के बारे में, अभी मैं इसकी टेंशन नहीं लेनी कितने पे कट ऑफ कहाँ पर जाएगा, कितने क्वेश्चंस पे होता है, कितने मार्क्स पे होगा, तो ये मैं आपको बता दूंगा कितने मार्क्स पे होगा। ठीक, अभी तो डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपकी सीट्स कितनी आ रही हैं। सीट्स के अकॉर्डिंग ही लोग क्वालिफाई कराए जाते हैं, जितना गुना लिया जाएगा 13 टाइम्स के अकॉर्डिंग। तो ये मान के अभी से ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कितने 150 टोटल क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। ये अभी से कहना बहुत मुश्किल है, अभी कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता। ये पेपर जब तक आप ना देख पाओ कि पेपर का स्तर क्या है, तो तब तक कट ऑफ कैसे बताई जा सकती है। ये 100 क्वेश्चंस में आपको जनरली 10 साल के पेपर, अगर आप 10 या 15 साल के पेपर लगा लेंगे तो आपको सी सेट क्वालिफाई करने से कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक, सामान्य रीजनिंग आती है, मैथ सामान्य ही होती है, लेकिन जिनका मैथ का बैकग्राउंड नहीं उनके लिए टफ रहता है, उनको टफ लगेगा कि क्या पूछ रहे हैं। इसके साथ में हिंदी रहेगा, इसमें इंग्लिश रहेगा। ये पोर्शन जनरली जो हिंदी का पोर्शन है, ये हिंदी का पोर्शन जनरली क्वालिफाई सी सेट बहुत आसानी से करा देता है। तो अगर आपने हिंदी पढ़ रखी है, विलोम शब्द इन सब के बारे में, गद्यांश के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ठीक ठाक से, तो आप वहाँ पर क्वेश्चन कर ले जाएंगे, तत्सम तद्भव पता है तो कर लेंगे क्वेश्चन, दिक्कत नहीं होगी। तो 33% ये जो न्यूनतम अंक लाने वाला क्राइटेरिया है, ये बहुत आसानी से पढ़ने वाला छात्र का पार हो जाता है, अगर आपने थोड़ी सी भी मक्कारी नहीं की। तो मक्कारी नहीं की इसलिए कह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा भी आपने ध्यान दिया तो, ये नहीं ध्यान दिया तो ये फेल हो जाएंगे। अब इसमें सी सेट क्वालिफाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक 100 में से लगभग 40-45% कम्युनिकेशन स्किल के डाल दिए जाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल है ना, उस कम्युनिकेशन स्किल में इतना टफ आजकल देने लगे हैं कि आप नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करी जाती है कि जो 50 क्वेश्चन हमारे पास हिंदी इंग्लिश और इन सब के हैं, इनमें से 33 क्वेश्चन छाँट के कर दिए जाएँ। ठीक, कम्युनिकेशन स्किल के भी मैं आपको बताऊंगा कौन सी किताब आपको पढ़नी है, कहाँ से पढ़ना है। अगर नहीं आपके पास अवेलेबल होगा तो मैं पीडीएफ दे दूंगा हिंदी में आपको, तो वो आप उससे पढ़ लेना, उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिए। साथ में याद रखिए कि निगेटिव मार्किंग, अब तो सबको पता है कि निगेटिव मार्किंग हो गई है, इसलिए GS2 मतलब सी सेट को क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बच्चे 2020 के प्री में सी सेट में लुढ़क गए, है ना, स्कोर जीएस में बहुत अच्छा था लेकिन सी सेट पार नहीं कर पाया, शायद इसीलिए कट ऑफ भी गिर गया। तो इस पर चर्चा की जाएगी कि कट ऑफ मार्क्स का मतलब क्या, कितना नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन अभी आपको बस इतना याद रखना है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये याद रखिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो अगर आपने 1/3, आप समझते हैं, अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो जो तो माइनस होगा वो तो होगा, इसमें 1/3 और मतलब 2 मार्क्स आपके और गड़बड़ हो जाएंगे। तो इस तरह से 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। उम्मीदवारों की योग्यता प्लेन परीक्षा के पेपर वन में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ये मैंने आपको बताया कि सी सेट के आधार, सी सेट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, आपका कट ऑफ निर्धारित जीएस वन के आधार पर होगा। ठीक, तो ये आपने सिलेबस प्रीलिम्स का देख लिया, प्रश्नों की संख्या 150, अंक 200, प्रश्नों की संख्या सी सेट की 100, अंक 200, यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यहाँ पर एक क्वेश्चन 1.33 मार्क्स का है,
यहीं पे सारा खेल होगा, इसको आप अपनी मेहनत से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की है नहीं, ज़रूरत है नहीं। प्रीलिम्स पेपर में जो मैंने आपको बताया जनरल स्टडी में जो 150 क्वेश्चंस रहते हैं, वहाँ कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, तो ये तो करंट अफेयर हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, वर्तमान का मतलब करंट अफेयर हो गया, करंट की घटनाएं इंसिडेंट बोल रहा है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आपको भारतीय इतिहास में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, खासकर राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस ज़्यादा रखेंगे क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ तो आधुनिक भारत पर ज़्यादा पूछता है। ठीक, भारतीय इतिहास में मैं आपको पूरा लेक्चर एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया इस तरीके से पढ़ाऊंगा कहानी के साथ, ताकि आपके टिप पर कम से कम हिस्ट्री तो गलत ना होने पाए, चाहे कुछ भी होता रहे। ठीक, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल ये मैं आपसे चर्चा करूंगा, भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल दोनों पर ही सेट पैटर्न के साथ मैं आपको 500 से 800 तक क्वेश्चन दे दूंगा जिनसे बाहर नहीं आएगा, इतना ज़्यादा बता चुका हूँगा कि आपको नदियाँ, पहाड़, पर्वत ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। भारतीय राजनीति और शासन पॉलिटी के अंतर्गत लक्ष्मीकांत की किताब, अच्छा मैं किताबें भी साथ में बताता जाता हूँ ताकि ये आप बाद में ना पूछे कि सर कि बुक्स नहीं बताई आपने, बुक्स नहीं बताई मुझको। ठीक है, इस वर्तमान घटनाओं के अंतर्गत जो मैं आपको बताऊंगा उसके अतिरिक्त, उसके अलावा घटनासार, ठीक, 50 किताबें नहीं पढ़नी, घटना चक्र पढ़ रहे हैं और पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने, घटनासार बहुत है। ठीक, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अगर आप एंशियंट और मेडाइवल इंडिया पढ़ रहे हैं तो लूसेंट के लिए एंशियंट और मेडाइवल इंडिया प्लस विपिन चंद्रा, ये मॉडर्न के लिए, ठीक है, विपिन चंद्रा मॉडर्न इंडिया के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, मिडिवल मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत के लिए लुसेंट पढ़ना है और आधुनिक भारत के लिए विपिन चंद्रा पढ़ना है, इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है, साथ में मैं तो बताऊंगा ही जो मुझे लग रहा है कि जो एक्स्ट्रा चल रहा है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल, भारत के भूगोल के लिए 11th और 12th की NCERT, 11th 12th की NCERT, NCERT 11th 12th की NCERT, और विश्व के भूगोल के लिए अगर आपको ज़्यादा मन होगा जो मैं बताऊंगा उतना, वरना तो महेश बर्नवाल, ठीक है, अगर आपको देखना है तो सिर्फ विश्व भूगोल उसमें देखना है, कुछ नहीं देखना है। भारतीय राजनीति और शासन एक ही रामबाण किताब जो इसका नाम है लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत से ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं देखना है, उतना ही बार बार देखना है, साथ में जो मैं बताऊंगा वो एड ऑन होगा। अगर आपको लक्ष्मीकांत नहीं दिख रही, मतलब बहुत मोटी किताब हो गई है, आप डर रहे हैं तो डरिए नहीं, पॉलिटी बहुत आसानी से करेंगे, जितनी आसानी से इतिहास करेंगे उतनी ही आसानी से पॉलिटी भी करेंगे। ठीक, सामाजिक और आर्थिक विकास के अंतर्गत, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, प्लस 12th क्लास की इकोनॉमी की एक बुक आती है, 12th क्लास की NCERT, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 12th क्लास की NCERT उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी सामान्य मुद्दों के अंतर्गत जो करंट अफेयर में चल रहा होगा वो प्लस साथ में, करंट अफेयर में चल रहा होगा वो प्लस साथ में मेरे नोट्स, इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना है इन्वायरमेंट में, इतना ही पढ़, जितना नोट्स मैं दूंगा उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं। सामान्य विज्ञान में, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको कुछ नहीं करना है, घटना चक्र के अलावा आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, बस इतना ही पढ़ना है। ठीक, अब कैसे पढ़ना है ये मैं बताऊंगा, ये किताबें मैंने आपको बता दी, बताने के लिए तो मैं आपको यहाँ कहता कि नहीं, पर्यावरण पारिस्थितिकी में वो आजकल एक बड़ी किताब आती है उसको पढ़ लीजिए, एनवायरमेंट की, नाम भी भूल गया कभी, अभी भी दिमाग से उतर गया मेरे, है ना, वो पढ़ लीजिए। यहाँ पर एक NCERT भी आती है, उसका PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मोस्ट प्रोबली 11th या 12th की NCERT है एनवायरमेंट की, वो PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको पर्यावरण के लिए खासकर। ठीक है, ये मैं प्री की बात कर रहा हूँ, मैंने मेंस की चर्चा नहीं करी अभी, ये तो प्री है कि आपका एक बेस तो बने, कम से कम फाउंडेशन तो बनना चाहिए। ठीक, प्रीलिम्स पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन आता है, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल ये लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, किताब मैं आपको बता दूंगा, ये सब अपने आप से आपको, मतलब कुछ करना वरना है नहीं, 10 साल के पेपर उठाने और उन्हीं को लगाना है बस, 10 साल के पेपर उठाइए, 5 साल के पेपर उठाइए, जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, उससे पहले भी मैथ वैथ रीजनिंग वीजनिंग आती रही है PCS में, अगर वो आपको घटना चक्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसी को लगाइए बार बार लगाइए, हिंदी जनरल, हिंदी जनरल उसी को बार बार लगाइए, उसी को बार बार पढ़िए, उसी से काम हो जाएगा। 33 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करना 100 में बहुत बड़ी बात नहीं है, जब पेपर आएगा उससे पहले कुछ विस्तृत चर्चा मैं कर दूंगा। ठीक, मेंस राइटिंग, मेंस में जो सबसे बड़ा खेल है वो सबसे बड़ा खेल राइटिंग का ही है, राइटिंग स्किल का है, प्लस भगवान का तो है ही, मैं तो बार बार कहता हूँ भगवान का बहुत बड़ा खेल है, राइटिंग स्किल का बहुत बड़ा खेल है, इसमें आपको जितना आप लिखेंगे, लिखने में भी राइटिंग स्किल का मतलब होता है, जितनी डायमेंशन को आप टच करेंगे उतना आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा।
है। तो ये आपको पेपर दिखाई दे रहे हैं, एक जनरल हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का, एसए का पेपर होता है 150 मार्क्स का, जनरल स्टडी फर्स्ट 200 मार्क्स, जनरल स्टडी सेकेंड 200, थर्ड 200, फोर्थ 200 और ऑप्शनल आपके 200 200, मतलब 400 मार्क्स का ऑप्शनल हो गया। ठीक, यहाँ पर जो अभी मतलब टाइम पीरियड आपको दिख रहा है, 3 3 घंटे का टाइम पीरियड है, तो जनरल हिंदी में बहुत टफ पेपर नहीं आता। इसके भी चर्चा आगे करेंगे, जनरल हिंदी में क्या क्या आता है, निबंध में क्या क्या पूछते हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तो आप ये टोटल मार्क्स देख लो कि 150 150 200 200 200 200 200 200 ये चल रहा है। ठीक है, 3 3 घंटे का पेपर हो रहा है। ठीक, तो ये जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी के अंतर्गत, इसमें 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 उन्होंने लिखा नहीं है। निबंध जैसे हम लोगों ने देखा था अभी रिव्यू ऑफिसर का, कि 9 निबंध आपके पास रहेंगे, टोटल 9 एसेज आपके पास रहेंगे, उन 9 एसे में आपको 3 एसे करने पड़ेंगे। ठीक है, 150 मार्क्स, 50 50 50, हाँ, आर ओ में 40 40 मार्क्स, 120 मार्क्स का था, यहाँ 150 मार्क्स का है। ठीक, यहाँ पर जनरल हिंदी के पेपर में जो मैंने आपको आर ओ में बताया था कि पत्र लेखन करना पड़ता है, वहाँ पर यहाँ पर आपको टेबुलर सारणी नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन पत्र लेखन यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। कुछ पत्र लेखनों में अंतर है जनरल हिंदी के सिलेबस में, बाकी पत्र लेखन सेम वहाँ पर, जैसे शासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र है, कार्यालय आदेश है, ये सब इसमें भी यूपीपीसीएस इसके मेंस में भी रहेगा। ठीक है, विलोम शब्द रहेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूछेगा आपसे, आपसे 10 लोकोक्ति और मुहावरे जो कि 30 मार्क्स के होंगे ये पूछेगा, सबसे ज्यादा खेल यहीं पे होता है। ठीक है, वर्तनी शुद्धि अशुद्धि पूछ लेगा आपसे, कि बताइए जो वाक्य लिखा हुआ है, मुक्त हस्त दान दिया, इसमें कौन सा शुद्ध क्या होगा, इसको लिखिए अपने आप से, सब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा ये। ठीक, गद्यांश रहेगा आपको, गद्यांश, 2 गद्यांश रहेंगे, उसमें आपको शीर्षक बताना पड़ेगा, व्याख्याएं करनी पड़ेंगी, भावार्थ लिखना पड़ेगा, ठीक है, संक्षेपण संक्षेप में करना पड़ेगा। तो ये सब सामान्य हिंदी के अंतर्गत होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान सा है, ज़्यादा हिम्मत जो यहाँ पर पोषण करने लायक होता है वो होता है विलोम शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, पत्र लेखन और लोकोक्ति मुहावरे और वाक्य शुद्धि। ये पोर्शन जनरली नंबर स्कोरिंग होता है, 1 2 3 4 5, ये जो 5 पॉइंट हैं ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो इनको भी अगर आप पढ़ते चले जाएंगे धीमे धीमे, एक किताब मैं आपको बता दूंगा, उसी के हिसाब से आप उसको पढ़ते रहेंगे। किताब क्या है, इसमें आदित्य पब्लिकेशन जनरली आप इसको रखे रहे हैं अपने पास, आदित्य पब्लिकेशन। ठीक, आदित्य पब्लिकेशन अगर आपके पास नहीं है तो आप जनरली घटना चक्र ले सकते हैं, उसको देखते रहिए, उसको रोज डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए बस। ठीक, घटना चक्र में आपको, पत्र लेखन में परेशान नहीं होना, पत्र लेखन की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। निबंध मैंने आपको बताया वही 9 निबंध रहेंगे, इसमें से आपको 3 करने पड़ेंगे, जैसे आर ओ में था सेम, इसमें सेम पैटर्न, सेम कुछ अलग नहीं है। जनरल स्टडी फर्स्ट के अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना है इसमें, तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला, साहित्य एवं वास्तुकला, इसकी बात कर रहा है, तो इसमें आपको आईएएस के क्वेश्चन लगाने हैं बस। जो आईएएस के क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 से 7 साल में, वो आपको क्वेश्चन बस देख के जाना है, उनको पढ़ के जाना है, उन्हीं को पढ़ के जाना है, उन्हीं के फैक्ट आपको देखने हैं, जो वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के स्तूप में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये होता है, फिर ये एक डोम सेमी डोमिकल स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें हैं, प्रदक्षिणा है, सब कुछ है, यही आपको पढ़ के जाना है। कार्नेटिक म्यूजिक में क्या क्या है, जो क्वेश्चन वहां पे है वही पढ़ के जाना है। उसके अतिरिक्त जो एंशियंट इंडिया में जनरली हम जो पढ़ेंगे, जो मैं आपको एंशियंट इंडिया पढ़ाऊंगा तो थॉरली पढ़ाऊंगा, कि नगर नियोजन कैसा था उनका इंडियन वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत, ठीक है, वो सब चर्चा हम वहाँ पे करेंगे, वही जनरली आपसे पूछता है, बार बार उसी को पूछेगा। प्राचीन भारत में, जब भारत भारतीय संस्कृति के इतिहास में जाएगा प्राचीन काल में, तो जनरली वही पूछ रहा है, वैदिक काल से पूछता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछेगा, थोड़ा आगे आएगा तो मौर्य वर्ग पूछ लेगा, कि बताइए अशोक के जो इनके इंस्क्रिप्शन थे उनसे आधुनिक वर्तमान में क्या शिक्षा, क्या ऐड करके बताइए उसको। तो ये जनरली आपको जो आईएएस क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उन्हीं को ही फोकस करके पढ़ना है बस। ठीक, साथ में जो मैं आपको एंशियंट इंडिया में पढ़ाऊंगा वो आपको उस ध्यान से कहानी सुनते रहना है, कि हाँ अच्छा इन्होंने बता दिया कि अच्छा वो हुए इतने वर्ण हैं, अच्छा इतने हमारे संस्कार हैं, इस संस्कार में ये होता है, वो सब जो मैं बताऊंगा उतना ही सुन के लिख लेना है बस, उसे नहीं चलना। ठीक, वास्तुकला में मैं आपको एंशियंट इंडिया में चलूंगा तो सब बताऊंगा, केव क्या है, मथुरा कला आर्ट्स क्या है, ये पेंटिंग मथुरा पेंटिंग क्या है, ये पेंटिंग कौन सी, अमरावती क्या है, सब बताएंगे धीमे धीमे। स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत भी, स्वतंत्रता संग्राम में भी चलेंगे, हम आधुनिक भारत पढ़ रहे होंगे तो मैं आधुनिक भारत में आपको काफी चीजें एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जब आपको स्वतंत्रता संग्राम बता रहा हूँ तो
तो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि मॉडरेट्स जो थे उनकी क्या क्या डिमांड्स थी, जो उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी क्या क्या डिमांड थी, गांधी जी के समय में क्या क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या डिमांड रखी, क्या क्या आपको समझ में ये आ रहा है, किस प्रकार से ये जो सिस्टम था हमारा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, यहाँ से किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को अपने जंजीरों में जकड़ लिया, बुलियनिज्म धातुवाद का सिद्धांत क्या है, किस प्रकार से क्या क्या हुआ, ये सब चर्चाएं करेंगे आधुनिक भारत में काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। वहाँ पर भी अगर आप नोट्स बनाते चले गए तो आपको समस्या होगी नहीं, वैसे देखा जाए तो। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, तो ये भी हम लोग विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा पॉइंट आपको इसमें पढ़ना नहीं है। प्राप्त करने के बाद देश के, यहाँ पर लिखा हुआ है टिल 1965, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस में टिल 1965, ठीक। तो पुनर्गठन का मतलब ये नहीं कि आप 1965 के बाद 70, 71, 71, 72 के युद्ध भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ना है। पूछा है, पूछा स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, तो आपको 1965 तक का पढ़ना है, क्या क्या हुआ, सरदार पटेल की नीति है ना, का नेहरू जी का प्रयास क्या हुआ, किस प्रकार से पंचशील की बातें कर ली जाएंगी, चीन का क्या रुख था उस वक्त में, भारत के अंदर की क्या दशाएं थी, किस प्रकार से पुनर्गठन के चलते लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषी आधार पे लोग चाह रहे थे कि हमको बांट दिया जाए, वो सब चीज़ें चर्चाएं वहाँ पे की जाएंगी, क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या हो पाए, किस प्रकार से भारत में सुधार हुए, ये सब चर्चाएं यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक, यहाँ पे करेंगे। तो जो मैं जैसे जैसे लिखवाता जाऊँगा वैसे वैसे आपको लिख लेने, खर्रे बना लेने, पाँच पाँच छः छः पॉइंट, ज़्यादा नहीं। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, तो यहाँ पर अगर आप पीसीएस के ट्रेंड को पढ़ पा रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि बार बार हिटलर पूछ रहा है, बहुत हद तक ये श्योरता इस बार फ्रेंच रिवोल्यूशन पूछेगा, फ्रांस की क्रांति पूछेगा, उसने पूछी, जेकोबिन्स के बारे में पूछा उसने, मुसोलिनी के बारे में उसने चर्चा करने की कोशिश करी, और बहुत संभावना है कि आने वाले समय, आने वाले 2021 के पेपर में वो नेपोलियन बोनापार्टी के बारे में पूछेगा, उसकी पॉलिसी के बारे में पूछेगा, आपसे पता करना चाहेगा कि आपको क्या पता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पूछेगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0 के बारे में पूछेगा, ठीक। तो यहाँ पर चर्चाएं कर लेंगे, हिटलर कौन था, मुसोलिनी कौन था, ट्रीटी ऑफ वर्सल्स जो हुई है उसमें क्या दिक्कतें थी, आखिर हिटलर पैदा कैसे हो गया, हिटलर हिटलर कैसे बन गया, नेपोलियन बोनापार्टी ये कैसे, इनकी कैसे ख्याति हो गई, कौन कौन से थिंकर थे जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत जान के रखना है कि इनकी इनसे कैसे इटली इटली का एकीकरण हुआ तो कैसे प्रभाव पड़ा इन थिंकर्स का, क्या वो इटली के एकीकरण के दौरान वहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने जिनसे जिनके साहित्य को पढ़कर लोग प्रभावित हो गए, क्या वास्तविकता में वो लोग वहाँ पर थे कि नहीं थे, क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि मुसोलिनी की कौन सी पॉलिसी अच्छी थी या खराब थी, या उस पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, आगे जाके किस प्रकार से इसको आगे जाके जर्मनी में संभाला, हिटलर ने क्या 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 नहीं किया, इस सबकी चर्चा धीमे धीमे करेंगे, ठीक है। जर्मनी के बारे में जानेंगे, फ्रांस के बारे में जानेंगे, धीमे धीमे सब चीज़ें पढ़ेंगे आराम से। भारतीय समाज और संस्कृति, अच्छा एक इसमें और आता है आखिरी में, सोशलिज्म कैपिटलिज्म फ़र्क क्या है, कम्युनिज्म में फ़र्क क्या है, ये सब देखेंगे। कम्युनलिज्म और कम्युनिज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, समझेंगे इसको कि कम्युनलिज्म कम्युनल क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, ठीक। भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन उठ के आएंगे, है ना। महिलाओं एवं महिला संगठनों की समाज में भूमिका, जनसंख्या तथा संबद्ध समस्याएं, गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, अर्बेनाइजेशन, उनकी समस्याएं, अर्बेनाइजेशन से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या रेमेडीज क्या क्या हैं, क्या कर सकते हैं, रिवर्स अर्बेनाइजेशन ये सब चीज़ें, रिवर्स माइग्रेशन ये सब चीज़ें क्या हैं, तो वहाँ पर ये मैं जब इस पर भी चर्चा कर रहा हूँगा तो मैं आपको महिलाओं एवं महिला संगठन की जब चर्चा करूँगा तो मैं आपको यहाँ पे कई ऐसे टर्म बोलूँगा, फेंकूँगा, जो आपको जनरली अपनी कॉपी में लिखना पड़ेगा, जैसे सन मेटा प्रेफरेंस, इस सन मेटा प्रेफरेंस आपको जनरली कोट करना है, हिंदी मीडियम में लोग नहीं करते हैं इस चीज़ को कोट, है ना। मिताक्षरा स्कूल क्या है ये, दया भाग क्या है ये, तो ये सब चर्चा करेंगे धीमे धीमे, पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या है, आखिर ये कम्युनिज्म जिसको हम पढ़ते हैं बार बार क्या है, क्या 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 सिर्फ रिलीजियस कम्युनिज्म होता ही है क्या, क्या धर्म के आधार पर ही कम्युनिज्म होता है, जो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं वो क्या धर्म आधारित ही हैं, या क्या भाषीय आधार पर भी कुछ चीज़ें हैं, तो हर तरह की चीज़ों को जानेंगे कि SC ST क्या इनकी समस्याएं हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंचशील ST के ऊपर क्या है, क्या बोला उन्होंने अपने पंचशील में, कुछ लोग कहेंगे पंचशील तो एक ही था, ऐसा नहीं, पंचशील नेहरू जी का पंचशील का कॉन्सेप्ट ST शेड्यूल ट्राइब के लिए भी आया था, तो उसमें भी चर्चा करेंगे क्या है, भारत में ST कौन कहलाते हैं,
भारत में ऐसी कौन कहलाते हैं, इनकी परिभाषा क्या कहीं दी हुई है, ये सब विस्तृत चर्चा धीमे धीमे करेंगे। ठीक, उदारीकरण एलपीजी की चर्चा यहाँ पर करी जाएगी, एलपीजी क्या है और एलपीजी का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, अलग अलग। जैसे उदारीकरण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, निजीकरण का भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण का भारतीय समाज अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था पर, समाज संरचना पर क्या प्रभाव पड़ा, कि भाई अब तक ज्वाइंट फैमिली थी, अब न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, महिलाओं को पिंक जॉब कॉन्सेप्ट, अगर आपने सुन रखा होगा पिंक जॉब कॉन्सेप्ट, तो पिंक जॉब कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, सेक्सुअल हरेसमेंट की बातें करेंगे, क्या क्या समस्या हुई और उनके द्वारा क्या क्या फिर कानून आए गए, कौन कौन से कानून सुरक्षा के लिए उनको दिए गए, विशाखा गाइडलाइन, ये सब चर्चा धीमे धीमे करेंगे। ठीक, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये भी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कि सामाजिक सशक्तिकरण क्या होता है, सोशल एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, क्या है सोशल एम्पावरमेंट, शब्द पकड़ लेगा तो सारी चीज़ें, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, शब्द अगर पकड़ लेगा तो खेल खत्म हो जाएगा। सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म, रीजनल रीजनल रीजनलिज्म क्या चीज़ है, तो क्षेत्रवाद की भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए बस। बस 1 मिनट दीजिए, बने रहिए। ठीक, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, इन शब्दों में फर्क क्या है, इसको भी समझेंगे, क्या है आखिर सेकुलरिज्म, भारत के इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न कंट्रीज के सेकुलरिज्म में फर्क क्या है, भारत में सेकुलरिज्म क्या, भारत धर्म के आधार पर कुछ हस्तक्षेप राज्य करता है, या जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो, उनके लिए धर्म की क्या परिभाषा है, गांधी जी का धर्म के प्रति क्या व्यू है और लोगों का धर्म के प्रति क्या व्यू है, ये सब चर्चा करेंगे धीमे धीमे। ठीक, इसके अतिरिक्त लिखा हुआ है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेस, जिसमें जल, मिट्टी एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में मुख्य रूप से भारत के बारे में, मुख्य रूप से भारत को अपन को फोकस में रखना है और उसमें हमें देखना है कि कौन कौन सी भारत में जल को लेकर, मिट्टी और वन को लेकर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, जैसे वाटर मिशन है उसकी चर्चा कर सकते हैं, जैसे SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यहाँ पर जरूर कोट करना होगा अगर जल के बारे में चर्चा वो करता है तो, या मिट्टी और वन की बात करता था, वैसी बातें करेंगे तो देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इसमें आपको किताब बताऊंगा कि कौन सी आपको पढ़नी, तो मैंने शायद आपको पहले ही बता रखा है कि आपको यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, महेश वर्णवाल जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ उसको ही आपको देखना है, ज़्यादा नहीं देखना। 1757 से 1947 आधुनिक भारतीय इतिहास, पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब 1757 से लेकर शुरुआत कर रहा है 1947 ईस्वी तक, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं समस्याएं आदि, महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी, ये मैं आपको आधुनिक भारत में आराम से पढ़ा रहा हूँगा, स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ ये सब भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा जब मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ आधुनिक भारत की, तब कौन कौन सी समस्याएं थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या समस्या थी, बताइए कि खिलाफत आंदोलन क्यों खो गया, चर्चा करनी है इस पर हमको बैठ के, या महात्मा गांधी का के बारे में चर्चा करवा सकता है, पूछ सकता है वो, माउंटबेटन प्लान क्या था, कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा हो सकती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा हो सकती है, प्रिंसली स्टेट के बारे में चर्चा हो सकती है, आधुनिक भारत में वेस्टर्न एजुकेशन का इम्पैक्ट हो सकता है, शिक्षा के बारे में चर्चा हो सकती है क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, शिक्षा के बारे में तो पूछ ही सकता है, तो ये सब चर्चाएं यहाँ पर करेंगे, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, जो पीछे के जमाने से चली आ रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्या प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ उसका प्रभाव क्या है, क्या उसमें विशेष था, क्या ऐसा हुआ कि हुजूम उमड़ पड़ा उसमें, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या विस्तार क्या था, कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, इसकी चर्चा भी करी जाएगी। भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताओं, विशिष्टताएं के अंतर्गत भूकंप के बारे में, कैसे आता है भूकंप, क्या है भूकंप, सुनामी कैसे आती है, सुनामी क्या है, ज्वालामुखी के कौन कौन से क्या क्या बनता है ज्वालामुखी से, तो लेपोलिथ, लोकोलिथ, फेकोलिथ, हाँ, डाइक सिल्ट, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी, डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको पूरा, साइक्लोन के बारे में कि टेम्परेट साइक्लोन कौन से होते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं, समुद्री जल धाराएं और हवा, हवा के डिपोजिशन से कौन सी क्या बन जाता है, इसके बारे में चर्चा ही कई बार पूछा गया है, इस बार ग्लेशियर पूछ लिया था, इस बार उसने ग्लेशियर पूछा है, तो ग्लेशियर, ये सारी चर्चाएं करेंगे हम लोग भूगोल में कि क्या क्या बनते हैं,
ग्लेशियर से क्या बनता है, डिपोजिशन होने से क्या बनेगा, इरोजन होने से क्या बनेगा, हवा इरोड करेगी तो क्या बना देगी, हवा डिपॉजिट करेगी कहीं से उड़ा के ला रही है बालू बहुत सारी, उसने एक जगह इकट्ठी कर दी, इकट्ठी करते 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 डोम बन गया, ये लो सैंड ड्यून बन गया, है ना। तो ये सब चर्चाएं करेंगे, भूकंप भारत में कौन से क्षेत्र हैं, नक्शा बना के पढ़ेंगे कि कौन सा जोन वन कौन सा है, जोन टू कौन सा है, जोन थ्री कौन सा है, जोन फोर कौन सा है, ठीक। चक्रवात नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार से आता है, क्या क्या उसकी दशाएं हैं, किन किन कारणों से होता है, समुद्री जल धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, इनके आने के इनके बनने के कारण क्या हैं, क्या प्रभाव पड़ता है इन समुद्री जल धाराओं का, अगर ये किसी भी कॉन्टिनेंट के आसपास हैं, मरुस्थल क्यों बन जाते हैं, तो ये सब चर्चाएं वहाँ पे करेंगे, ठीक। भारत के सामुद्रिक संसाधन उनकी संभावनाएं, ये जो लिखा हुआ है इससे जनरली वो कोशिश करता है कि इंडियन ओशन पे चर्चा कर लेता है, जनरली मोस्ट प्रोबेबली भारत के सामुद्रिक संसाधन के अंतर्गत इंडियन ओशन रीजन की चर्चा करेगा। तो इंडियन ओशन रीजन आप मेरे ख्याल से जीएस में 2-3 बार पढ़ रहे होंगे, तो आपको कई प्रकार से कंठस्थ हो जाएगा ये, तो अपने आप इंडियन ओशन रीजन आप बार बार पढ़ेंगे, जीएस 2 में पढ़ेंगे, 3 में पढ़ लेंगे बैठे बैठे। मानव प्रवास के अंतर्गत विश्व की शरणार्थी समस्याएं क्या क्या हैं, भारत उप महाद्वीप के संदर्भ में आपको विश्व की शरणार्थी समस्याएं जैसे रोहिंग्या इशू हो गया है, इसका इशू क्या है, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं वर्ल्ड लेवल पे, ये सारी चर्चाएं, क्योंकि उसने लिखा है भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में आपको बताना है, तो रोहिंग्या इशू बहुत चर्चा में, बार बार क्वेश्चन यहीं पे उठा उठा के पूछेगा। सीमांत एवं सीमाएं, भारत उपमहाद्वीप के संबंध में फ्रंटियर क्या होते हैं, बाउंड्रीज क्या होती हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, फ्रंटियर बाउंड्री के इशू कुछ पूछेंगे वो बताना पड़ेगा, प्राकृतिक प्राकृतिक बातें करेंगे, तो यहाँ पर वो भी चर्चा करेंगे फ्रंटियर और बाउंड्रीज की, इनमें अंतर क्या है, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया फ्रंटियर और बाउंड्री में फर्क क्या होता है, ठीक बताइए विशेष इसके चर्चा कीजिए। जनसंख्या एवं अधिवास के बारे में, प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर एवं स्मार्ट ग्राम, स्मार्ट सिटी कई बार पूछ चुका है, ये बहुत संभावना है कि आने वाले समय में स्मार्ट विलेज पूछेगा वो, ठीक है, स्मार्ट विलेज तो नहीं पूछा, पूछ लेगा स्मार्ट विलेज, ठीक। प्रकार टाइप ऑफ सेटलमेंट वो पूछ चुका है, नगरीकरण वो पूछ चुका है, अर्बनाइजेशन कई बार पूछ चुका है, तो अब स्मार्ट विलेज पे फोकस करेगा, पूछेगा, ये सारी चर्चाएं थोड़ी थोड़ी करेंगे, सब कुछ जानेंगे, स्मार्ट विलेज क्या होता है, रर्बन मिशन क्या है, श्याम प्रसाद मुखर्जी मिशन के बारे में चर्चा कर लेंगे, उत्तर प्रदेश का विशेष ज्ञान, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आपको, वाणी पढ़नी है बस, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समस्या है क्योंकि इंग्लिश में मटेरियल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इतनी आपको हिंदी आती होगी कि आप इसको समझ लें, ऐसा नहीं होता कि इतनी हिंदी इतनी भी नहीं आती होगी, तो अगर आपने यहाँ पे वाणी पब्लिकेशन पढ़ रखा है तो ये वाले पोर्शन आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, बस वही चैप्टर देखने, जिसमें विशेष नहीं पूछता है, जनरली यूपी में वो करंट के साथ ऐड करके पूछता है, जैसे लोक नृत्य की चर्चा वो अलग से कर सकता है, कर चुका है कि बताइए उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनकी चर्चा कीजिए, है ना, तो आपको लोक नृत्य पता होना चाहिए, बुंदेलखंड में कौन सा है, अगर इस तरफ आ जाएंगे ईस्ट की साइड चले जाते तो यहाँ पर कौन कौन से लोक नृत्य हैं, सोनभद्र में क्या है, मिर्जापुर में कौन से लोक नृत्य होते हैं, थोड़ी बहुत अगर आप जानकारी रखेंगे तो आप वहाँ पे मार्क्स उठा ले जाएंगे, ठीक। उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत आएगा तो वो स्थलों के बारे में पूछेगा कि पता ये प्रयागराज की चर्चा कर दीजिए, वाराणसी के बारे में बता दीजिए, अयोध्या के बारे में बता दीजिए, अयोध्या का प्राचीन भारत में क्या योगदान था इसके बारे में चर्चा कर लेगा, ऐसी बातें पूछेगा वो बैठ के। संस्कृति, कला, साहित्य, वास्तुकला, लोक नृत्य साहित्य, प्रादेशिक भाषाएं, धरोहरें, हेरिटेज के बारे में चर्चा हमेशा करेगा, सामाजिक रीति रिवाज में पर्यटन, पर्यटन हमेशा पूछता है वो, हमेशा टूरिज्म पे चर्चा करेगा, जनरली करंट से ऐड करके पूछेगा, जनरली करंट से ऐड करके ही पूछेगा, ठीक है, तो इसमें लोड नहीं लेना है कि यूपी नहीं हो रहा, यूपी नहीं हो रहा, करंट में ही ऐड करेगा। यूपी के विशेष ज्ञान के अंतर्गत भूगोल में पूछ लेगा, फिजिकल ज्योग्राफी आपको याद रखनी है यूपी की, जैसे आप इंडिया के फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं वैसे आपको यूपी का भी फिजिकल ज्योग्राफी पता होना चाहिए कि यहाँ भावर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है, कौन सा है, खादर है क्या, भांगर है क्या है, तो वो आपको पता होना चाहिए। मानव में प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम इंडिया के लेवल पे पढ़ते हैं वैसे हम यूपी स्टेट के लेवल में पढ़ लेंगे, कैसी जलवायु है, मिट्टी कैसी है, वर्षा कहाँ ज़्यादा होती कहाँ कम होती है, वर्षा का क्या तरीका है, कौन सी खेती करी जाती है, वन और वन्य जीव, खदान, खनिज, सिंचाई के स्रोत क्या है उत्तर प्रदेश में, कहाँ नलकूप से करते हो, अब बताओ अब क्या करंट में क्या चल रहा है, सिंचाई का क्या स्तर है उत्तर प्रदेश में, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक। फिर से मैं बोल रहा हूँ इन दोनों आखिरी के लिए वाणी से ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, वाणी पढ़ो बस बैठ के, और उसी खर्रे बना लेने हैं 5-5 पॉइंट लिखे, हाँ कि सिंचाई के स्रोत के अंतर्गत इतना प्रतिशत भाग सिंचाई से सिंचाई के अंतर्गत आता है,
इतने प्रतिशत भाग नलकूप से सिंचाई होती है, अब आधुनिक में ये तरीके अपनाए जा रहे हैं, इन इन कंट्रीज़ के साथ हम लोग ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, इसराइल भी कहीं ना कहीं आ जाएगा वहाँ पे, तो ये सब चर्चाएं करेंगे। ठीक, तो फर्स्ट पेपर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर में जो आपके लिए कठिन चीज़ है, वो सबसे कठिन चीज़ समझ में आती है, वो पहला पोर्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको रखने हैं, साथ में जो मैं पढ़ा दूंगा एंशिएंट इंडिया में उतना पढ़ना है। थर्ड फोर्थ पार्ट, जिसमें आपको विश्व इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री दिखाई दे रही है, इसमें भी जितना मैं कहानी हल्की फुल्की आपको सुनाता चला जाऊंगा कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, प्रथम विश्व युद्ध के होने के तात्कालिक कारण क्या है, टोटल कारण क्या है, जर्मनी का क्यों एकीकरण हो गया, कहाँ से हिटलर पैदा हो गए, कहाँ से नेपोलियन बोनापार्टे हो गए, मुसोलिनी कहाँ से आ गए, ये सब फासिज्म, और अगर मैं बात करूंगा तो नाजिज्म में फर्क क्या है, ये सब बातें, फासीवादी और नाजीवादी, इनमें फर्क क्या होता है, अंतर क्या है, ये देखेंगे। हिटलर और मुसोलिनी की दोनों की अंतर क्या था, इनके बारे में इनकी भी चर्चा कर लेंगे। ये सब चीज़ें हमको थोड़ी 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 पढ़नी है। ठीक है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी का कैसे हुआ, फ्रांस का कैसे हुआ, अमेरिका क्रांति के बारे में अब तक नहीं पूछा उसने, पूछने की कोशिश भी नहीं करेगा, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बारे में चर्चा, ये छोटी छोटी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको जो मैं बता दूं, उसके अलावा अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत पढ़ने का शौक है तो कंटेम्प्रेरी इंडिया आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा शौक है आपको तो, वैसे ज़रूरत है पड़ेगी नहीं, जितना मैं बता दूंगा उतना बहुत हो जाएगा, जितना बता दूंगा सफिशियंट है। ठीक, जितना बता दूंगा उतना सफिशियंट हो जाएगा। भारतीय समाज और संस्कृति की विशेषता भी मैं ही कवर करूंगा, सोशल इश्यूज़ में कवर कर लूंगा, इन सोशल इश्यूज़ को भी मैं कवर करूंगा, वरना फिर 12th क्लास की एनसीईआरटी आती है, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, उसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक, महिलाओं एवं महिला संगठनों की समाज में भूमिका, ये सब मैं कराऊंगा ही, उतना ही उतना आपको पढ़ना है, अलग से आपको नहीं चलना, इतना पढ़ाऊंगा उतना इतना करना है। यूपी वाले केस में आपको बस याद रखना है वाणी, वाणी पे फोकस रखना है, और बाकी महेश वर्दवाल ज्योग्राफी के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, नहीं तो ज़्यादा आपको अगर लगता है तो जीसी ले आऊँ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक, अब जीएस पेपर टू में लक्ष्मीकांत, साथ में आपको लक्ष्मी लक्ष्मीकांत तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इसके अलावा काम हो नहीं पाएगा। जनरली क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय की भूमिका लिखी हुई है, उसका विकास, विशेषताएं, किए गए संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान, आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर, ये सब आपको लक्ष्मीकांत से ही मिलेगा। संघ और राज्यों के कार्य और जिम्मेदारियाँ, संघीय ढांचे से संबंधित मुद्दे, मतलब फेडरलिज्म, संघवाद क्या होता है, फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है, उसकी चुनौती क्या है, फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा कर लेगा, शक्तियों के हस्तांतरण के बारे में चर्चा कर लेगा, बताइए सेंट्रल स्टेट रिलेशन में आपको क्या लगता है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात कर लेगा, एग्जीक्यूटिव रिलेशन की बात करेगा, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात कर लेगा, ये चर्चा करेगा, क्या करेगा, ये लिखा हुआ केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, पावर का सेपरेशन कॉन्सेप्ट बताइए, क्या सेपरेशन ऑफ पावर और डिफ्यूजन ऑफ पावर में फर्क क्या है, अमेरिका कहता है सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिया कहता है डिफ्यूजन ऑफ पावर है, तो इनके फर्क क्या है, इनमें अंतर क्या है, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थाएं, रिट्रेशल मैकेनिज्म की बात करेगा कि अगर आपके बीच लड़ाई हो गई तो बताओ कौन कौन से तंत्र और संस्थाएं आपके पास हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ हमारे पास तो नेगोशिएशन का जरिया है, हमारे पास आर्बिट्रेशन का जरिया है, हमारे पास लोक अदालतें हैं, हमारे पास फैमिली कोर्ट्स हैं, इन सब की चर्चा करेगा। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र एवं उदय उनका प्रयोग, ये सब रिट्रेशनल मैकेनिज्म में या अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के अंतर्गत जो मैं आपको अभी बता रहा था, लोक अदालत और फैमिली कोर्ट्स, ये सब वैकल्पिक विवाद निवारण, नेगोशिएशन कर लेना, आर्बिट्रेशन कर लेना, ये सब वैकल्पिक विवाद निवारण के तंत्र हैं। ठीक, तो ये सब चर्चाएं, लोकपाल क्या चीज़ है, इसकी चर्चाएं करेंगे हम लोग। ठीक है, अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों से भारतीय संवैधानिक योजना की तुलना अब तक नहीं पूछा गया। ठीक, अब तक नहीं पूछा गया, अब तक नहीं पूछा गया, क्यों खपाएंगे दिमाग अपना, तब भी थोड़ा बहुत हमें भारत अमेरिका, भारत फ्रांस चर्चा कर लेंगे, हल्की 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 हल्की, दो तीन चार पॉइंट अपने दिमाग पे टिप पे रखना बस। संसद एवं राज्य विधायिका, संरचना, संगठन और कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा संबंधित विषय, विशेषाधिकार ही पूछता है संसद और राज्य विधायिका के अंतर्गत, जब पूछेगा तो आपसे पूछेगा बताइए राज्यसभा के विशेष अधिकार कौन से है ना, या फिर बताइए विधान परिषद का विघटन कैसे हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो आते ही आते हैं, या फिर संसद की में आपको क्या लगता है कि राज्यसभा एक सबॉर्डिनेट हाउस है क्या, मतलब लोअर हाउस है कि, मतलब सब राज्यसभा का है तो अपर हाउस, लेकिन क्या उसके कार्य करने की क्षमता लोकसभा से कम है,
आपको क्या लगता है वो सबॉर्डिनेट है क्या लोकसभा का? ऐसे प्रश्न विस्तृत चर्चा करिए, इस प्रकार के प्रश्न आपसे उठ के आएंगे, ठीक है? ये सब चीजें पूछता है इस संसद एवं राज्य विधायिका के अंदर, तो लक्ष्मीकांत से बाहर इसमें कुछ पूछता नहीं होता, नहीं आपको पढ़ना है जनरली। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन एवं कार्य, जिसके अंतर्गत सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, ठीक, प्रभावक समूह, प्रेशर ग्रुप जो आपको समझ में आते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप जो आपको समझ में आते हैं, औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में भूमिका, जनहितवाद, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना? ये जनरली जब ये आएगा तो आप PN भागवती का नाम जरूर कोट करेंगे, जनरली जब आएगा तो आप लोकस स्टैंडाई की बात जरूर करेंगे। अब लोकस स्टैंडाई क्या होता है या नो लोकस स्टैंडाई क्या चीज़ होती है, हम चर्चा करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नो लोकस स्टैंडाई क्या होता है ना, जो एक सिद्धांत है नो लोकस स्टैंडाई का वो क्या होता है, उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। जनहितवाद में अगर वो आप नहीं लिख रहे हैं तो आपको दिक्कत है PIL में, ठीक। यहाँ पर अगर आप PIL के पिता लिख दे रहे हैं, माता को नहीं मेंशन कर रहे हैं, या फिर वो केस पर्टिकुलर जो है उसको मेंशन नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो कुछ पॉइंट जो पैट हैं, जो डायग्राम है कि हाँ ये तो आपको बनाना ही है, ट्रायंगल लेके यहाँ पे हमें लिखना ही पड़ेगा, तो ये सब चर्चाएं वहाँ पे धीमे धीमे करेंगे, ठीक है। जनरली क्वेश्चन यहीं से उठता है, हर बार यहीं से उठेगा, ठीक। प्रभावक समूह से भी क्वेश्चन उठ जाता है, तो क्या है प्रभावक समूह, किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके क्या पॉजिटिव रूप से देखा जाए तो क्या प्रभाव है, नेगेटिव क्या प्रभाव है, ये सब बातें करेंगे। पीपल्स एक्ट की मुख्य विशेषताएं, अभी तक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा उसने, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, पीपल्स एक्ट की मुख्य विशेषताएं बता दीजिए, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, RPA की मुख्य विशेषताएं क्या क्या, यही सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, इसके अलावा अभी तक उसने कुछ नया नहीं पूछा है। तो RPA को बहुत ही ब्रीफ में चर्चा करेंगे कि RPA में क्या क्या लिखा, बहुत ब्रीफ में, ज़्यादा ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, बहुत ब्रीफ में चलेंगे, बहुत ब्रीफ में। लोकतंत्र में बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के संदर्भ में सिविल सेवाओं की भूमिका, सिविल सर्विसेज के अंतर्गत यहाँ पर हम लोग जनरली पढ़ेंगे आर्टिकल 311, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर 311 की चर्चा करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 311 पढ़ रहे होंगे, उसकी चर्चा करेंगे विस्तृत, कि आखिर डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर क्या है, इनके कारण क्या दिक्कतें हो रही हैं, इनका जो नॉन एंथुजियास्टिक जो इनका व्यू है जिसके चलते पॉलिसी एग्जीक्यूशन आसानी से नहीं हो पाता, वो सब विस्तृत चर्चा धीमे धीमे करेंगे, ठीक। भारत का अपने पड़ोसी देशों से संबंध, अब यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं कि भारत अमेरिका, भारत ईरान, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, वेस्ट एशिया, लुक ईस्ट एशिया, एक्ट ईस्ट एशिया, आशियान देशों के साथ, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव जो अभी भारत ने साइन करने से मना कर दिया उसके बारे में चर्चा, ये सब बातें यहाँ पर की जाएंगी। ये लिखा है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते, बाइलेटरल एग्रीमेंट कौन कौन से, जैसे 2+2 वार्ता हो गई, तो उसमें अब भारत अमेरिका में कौन कौन से एग्रीमेंट पे साइन किए गए, बीका, कॉमकासा, लेमोआ, ये सब चर्चा, या अमेरिका ने ईरान पर अगर कुछ प्रतिबंध लगाया तो उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? भारत कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, तो क्या जरूरत है कि उसको RCEP पे साइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी विस्तृत चर्चा, कुछ कुछ पॉइंट हर चीज़ के। जैसे भारत चीन पे आएंगे तो हम 4C की चर्चा करेंगे, 4C कॉन्सेप्ट, प्लस हम लोग I2 स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, प्लस हम लोग आयरन कर्टन स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे, प्लस हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पल्स, तो कई बार हम लोग सुन चुके हैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में जानेंगे, प्लस हम लोग अभी जो एक यूनिपोलर, मतलब अमेरिका हर चीज़ था लेकिन चीन धीमे धीमे उसमें हस्तक्षेप कर रहा है, तो एक टेक्निकल टर्म भी पढ़ेंगे जिसको जनरली कोड करने की कोशिश करेंगे, इसको कोड कर दिया जाए, ठीक। तो जब भी भारत चीन पढ़ेंगे तो 4C स्ट्रेटजी जरूर रखना है, ये 4C विवाद क्या है, 4C का विवाद है, मतलब 4C पर जनरली हम लोग काम चाइना और इंडिया के रिलेशनशिप में करते हैं। भारत अमेरिका पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि कहाँ से स्वतंत्रता के बाद से अमेरिका और भारत में क्या संबंध रहे, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से एकदम से दोस्ती गहरा दी चली गई, कौन कौन सी स्ट्रेटजी थी, किन किन लोगों के विशेष नाम थे, क्या क्या प्रयोग किया गया, भारत ईरान संबंध, मतलब इंडिया और वेस्ट एशिया में क्या एकदम से लुक वेस्ट पॉलिसी में क्या हो गया, वेस्ट की ओर क्यों देखने लगे भारत के वाले लोग, ठीक है, स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस वेस्ट की क्या है, वहाँ पर क्या कौन से रेमिटांसेस के कारण बहुत सारा फॉरेन एड हमको मिल जाता है इसलिए, तो इस कई सारे क्षेत्रों को देखेंगे धीमे धीमे, विस्तृत चर्चा करेंगे तो इसके बारे में चर्चा करी जाएगी, ठीक है। भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक का प्रभाव, सब IR के पोर्शन में चलेगा, सब कुछ यहाँ पर चर्चा की जाएगी, सब कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश तथा उनका कार्यप्रणाली, जैसे WHO के बारे में चर्चा कर लेना है, IMF के बारे में चर्चा कर लेना है, वर्ल्ड बैंक के बारे में चर्चा कर लेना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में चर्चा कर लेना है,
जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी संरचना, उनके अधिदेश तथा उनका कार्य प्रणाली किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये भी करंट अफेयर आधारित जनरली क्वेश्चन होता है, जैसे ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में पूछ लेगा। अभी भारत में बैन कर दिए गए कुछ जगहों पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल को बैन किया गया, तो अब एमनेस्टी इंटरनेशनल एक प्रमुख संस्थान होगी, उसके बारे में चर्चा करी जा सकती है। ये सब करंट के स्तर पर चलेगा। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक, प्रशासनिक, राजस्व एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की विशिष्ट जानकारी, इसमें जो भी करंट में चल रहा होगा, जैसे विकास दुबे मार दिए गए तो अब उसके बारे में पूछ लेगा कौन सा एक्ट है जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो गई, है ना। ये जो गैंगस्टर होते हैं उनका कोई एक्ट तो होगा ही, तो इनके बारे में चर्चा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या यूपी में क्या क्या है इसके बारे में चर्चा, जो करंट में कुछ चल रहा होगा उसके बारे में चर्चा। तो करंट में जो चल रहेगा उसी की बात करेगा, ठीक। अब ये पेपर 3, अच्छा सरकार की नीतियां, ठीक है चले। इसके अलावा आगे चल रहे हैं, ये कुछ चीजें बीच में ऐड फिर से हो गई। चयन प्रतिनिधि अधिनियम की विशेषताएं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट की विशेषताएं, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा वो कोई पीपल्स एक्ट की विशेषताएं अलग, और ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की विशेषताएं, वही आरपीए की चर्चा कर रहा है यहाँ पे, आरपीए के बारे में चर्चा कर रहा है, इसके बारे में पूछेगा, ठीक। विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ, कार्य व उत्तरदायित्व, सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, नीति आयोग समेत उनकी विशेषताएं एवं कार्यभार, क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है, फाइनेंस कमीशन की विशेषता बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन की विशेषता बता दीजिए, उनके कार्य और उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा कर दीजिए, नीति आयोग के बारे में ऑब्जेक्टिव बता दीजिए, उसके रोल बता दीजिए, नीति आयोग के बारे में स्ट्रक्चर बता दीजिए नीति आयोग का, ये सब लिखा हुआ है, यही सब पढ़ना है हमको एक्चुअली में। सरकार की नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिजाइन, कार्यान्वयन और सूचना संचार प्रौद्योगिकी से उत्पन्न मुद्दों के लिए हस्तक्षेप, आईसीटी क्या चीज़ है, आईसीटी से क्या क्या फायदा होने वाला है बताइए, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस हो जाएगा, सरकार की नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास और उनके डिजाइन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। सरकार की नीतियों उनका क्या प्रभाव पड़ने वाला, क्या प्रभाव पड़ा है सामाजिक स्तर पे, इसे चर्चाएं करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास एवं प्रबंधन से संबंधित विषय, इसमें आपको जनरली ये ध्यान रखना है कि अगर राइट टू एजुकेशन आ गया तो उससे सामाजिक और सेवाओं के विकास में क्या प्रभाव पड़ा, समाज के स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा उससे, या फिर अगर आयुष्मान भारत आया तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, या फिर भारत में ये आयुष्मान भारत के कारण क्या क्या वेलनेस सेंटर में मतलब क्या सुधार होगा, सामाजिक क्षेत्र में और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या सुधार हो जाएंगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा। स्वास्थ्य अलग पढ़ेंगे, शिक्षा अलग पढ़ेंगे, मानव संसाधन अलग पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अलग पढ़ेंगे, इनके क्या इश्यूज़ हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इसका क्या इशू है, एचआरडी का क्या इशू है, भाई वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात हम लोग बार बार करते हैं कि हमारी जो डेमोग्राफी है वो वाइब्रेंट है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, ऊर्जावान है, तो ये ऊर्जावान बनेगी, तो बनेगी कैसे ऊर्जावान, वाइब्रेंट कैसे बना दोगे, मानव संसाधन में क्या कमियां हैं, क्या विशेष हो सकता है, मानव संसाधन के क्या क्या विभिन्न विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उसके लिए, ह्यूमन कैपिटलिज्म के लिए, तो ये सब बातें करेंगे वहाँ पर चर्चा। गरीबी और भूख से संबंधित विषय और राजनीतिक व्यवस्था के लिए इनका निहितार्थ, पॉवर्टी, पॉवर्टी लाइन के बारे में, हंगर के बारे में बात करेंगे, हंगर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से वो कंपोनेंट का प्रयोग करके हंगर इंडेक्स निकालता है, पॉवर्टी लाइन क्या है, एम्पावरमेंट लाइन क्या है, कई सारे दूसरे देशों के मॉडल जो चर्चा में हम लोग रखेंगे कि हाँ देखो यहाँ सिंगापुर मॉडल अपना लीजिए इससे फायदा होगा, यहाँ का मॉडल अपना लीजिए इससे फायदा होगा, तो ये सब चर्चा यहाँ पे करेंगे, पॉइंट लिखते चले जाएंगे और काम होता चला जाएगा। अब आ गया जनरल स्टडी पेपर 3, इसमें लिखा हुआ है भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात की गई है, धीमे धीमे देख रहे हैं आगे बढ़ते चले जाएं, चलिए देखते हैं। पेपर 3 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग, कार्यक्षेत्र एवं महत्व, स्थान निर्धारण, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब देखिए अजीब सा वर्ड आ गया, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम हो सकता है ना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ठीक, आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बता रहा है वो, कैसे करेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है, ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की आवश्यकताएं क्या हैं, है ना, कहीं से फोक टू फोक, एंड टू एंड कहते हैं इसको, एंड टू एंड, और इस बीच में एक
एक ऐसा मैन्युफैक्चर के लिए बैठा दिया गया है, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक। तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होती है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, आखिर भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का महत्व तो क्या है ना, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में दिक्कतें क्या हो रही हैं, क्यों नहीं रॉ मटेरियल मिल पा रहा है भाई लोगों को, ऐसा क्या है कि हम हर चीज़ में नंबर वन पे चल रहे हैं, हम वेजिटेरियन में और दुग्ध में के उत्पादन में नंबर वन पे चलते हैं, लेकिन तब भी हमारा इतना परसेंटेज वेस्टेज में हो जाता है, उसका कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं कारण तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। आखिर फूड प्रोसेसिंग में हम भारत को इस कार्यक्षेत्र में दिक्कतें क्या आ रही हैं, तो बहुत सी दिक्कतें हैं। एपीएमसी सबसे बड़ी दिक्कत है जिसके बारे में चर्चा हमेशा से अभी से की जा रही है कि एपीएमसी को अगर इस एक्ट के अंतर्गत अगर सुधार कर दिए जाए, अगर प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर ली जाए, प्राइवेट लोगों को अंदर जाने दिया जाए, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल एपीएमसी को बना दिया गया, सबसे पहले आपको यहीं पर आके बेचनी है अपनी चीज़ें, अगर ये सब सुविधाएं हटा दी जाएँ तो फायदा हो जाएगा, सप्लाई चेन मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, रॉ मटेरियल आसानी से लोगों को मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा तो आसानी से प्रोसेसिंग कर लेंगे, आसानी से प्रोसेसिंग हो जाएगी तो आसानी से हर चीज़ हो जाएगा, है ना। यही तो प्राइवेट इंडस्ट्री अगर इसमें इन्वॉल्व हो गई तो काम हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार क्या हुआ है, तो कौन कौन से हुए, हदबंदी क्या हुई है ना, ये सब चर्चा करेंगे हम इसमें, लैंड फॉर्म्स के अंतर्गत क्या क्या हुआ, ठीक, लैंड सीलिंग की बात करेंगे, कंसोलिडेशन की चकबंदी की बात करेंगे, कहाँ से जमींदारी व्यवस्था से टूट के सब चीज़ें लैंड रिफॉर्म्स में, नाइन्थ शेड्यूल की बात करेंगे, सब चर्चा करेंगे यहाँ पे आके। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के भारत में प्रभाव बताने हैं आपको, फर्स्ट पेपर में अगर आपको याद आ रहा होगा फिर से वही चीज़ आ गई है, लेकिन हाँ इसको थर्ड पेपर की तरह टैकल करना है, जो फर्स्ट पेपर में वो फर्स्ट पेपर की तरह टैकल करना है, वहाँ समाज सोशल इशू सोसाइटी की बात कर रहे थे, यहाँ पर कह रहा है कि वैश्वीकरण द्वारा भारत में प्रभाव क्या पड़े, औद्योगिक नीति में प्रवर्तन तथा इनके औद्योगिक समृद्धि पर प्रभाव, इनके प्रभाव किस पे कह रहा है, भारत में उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ा, जीएस पेपर थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक। मैं क्या कह रहा हूँ ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा नहीं, अभी लगेगा पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं, वही तो है, ये सेम चीज़ नहीं है, ये फर्स्ट पेपर में अलग है, थर्ड पेपर में अलग चीज़ है। आधारभूत संरचना, सड़क हवाई अड्डे रेलवे आदि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, हाँ अगर पोर्ट को लेकर कोई नई योजना चल रही है तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, रेलवे को लेकर अगर कुछ बजट में कुछ नया हो गया तो उसको चर्चा कर लेंगे, हवाई अड्डे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया क्या फ़ायदा होगा, इसको चर्चा कर लेंगे, है ना, एफडीआई बढ़ा दी कुछ कर दी, फायदे क्या होने वाले हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत विकास एवं प्रयोग सबसे गंदा चैप्टर अगर कुछ थर्ड पेपर में है तो ये है, ठीक है, सबसे गंदा पेपर है ये, लेकिन स्मार्ट स्टडी ऑलवेज वर्क, हमेशा स्मार्ट स्टडी काम कर जाती है, इसलिए हम लोग जनरली फोकस कहाँ पे रखेंगे, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी 2021 में यही आएगा, लिख लो इस बात को, ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी यही आएगा 2021 में क्वेश्चन, ठीक है, आपको कैसे बता रहा हूँ। प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण है ना, ये भी पढ़ना जरूरी है कि आखिर एकदम से क्या हो गया जो हम लोग प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण की बात करने लगे, सब कुछ भारत के अंदर बनाओ, मेक इन इंडिया की बात होने लगी, तो मेक इन इंडिया क्या चीज़ है, ये सब चर्चाएं वहां पर करेंगे। प्रौद्योगिकी का विकास, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्या हुआ, स्पेस में भारत ने क्या ऐसा तीर गाड़ा हुआ है, क्या क्या हो गया है, तो ये सब चर्चाएं जीएस पेपर थर्ड में। इसके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी मैंने अभी बात करी आपसे, ऊर्जा स्रोत नैनो टेक्नोलॉजी क्वेश्चन अभी तक उठा नहीं, उठने की संभावना बहुत ज़्यादा, ठीक। तो ये विज्ञान वाला मैंने आपसे पोर्शन बोला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजिटल राइट्स आपके कौन कौन से हैं, जो मुझे लगेगा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे आईपीआर इंपॉर्टेंट है अभी तक नहीं पूछा आ सकता है, डिजिटल राइट्स पूछ चुका है लेकिन रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है, एआई नहीं पूछा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकिन पूछ सकता है ना, तो जो मुझे जो लगेगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको मैं पढ़ा पढ़ूंगी, आपको किनारे कर दूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसडीजी की चर्चा बहुत ज़्यादा, ये तो आपको 17 के 17 SDG आपकी टिप पर होने चाहिए, 17 के 17 SDG, खासकर खासकर आपको SDG नंबर 5, SDG नंबर 8 और SDG नंबर 10 हमेशा से याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये तो कम से कम आपको याद रखने ही रखने पड़ेंगे, वरना मानना मेरा ये है कि आपके हाथों में 17 के 17 SDG टिप पर होने चाहिए, खासकर जीएस पेपर थर्ड में। भारत में आर्थिक नियोजन प्लानिंग की बात कर रहा है, उद्देश्य और उपलब्धियां, नीति आयोग की भूमिका फिर से आ गया, तो हम लोग नीति आयोग दूसरी तीसरी बार इसको पढ़ रहे होंगे कम से कम। सतत विकास लक्ष्यों का उद्देश्य क्या है, भारत में किस प्रकार सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है, SDG क्या है,
कौन से SDG बात करते हैं कि सबका विकास होना चाहिए, ऐसी चर्चा कौन से करेंगे, कोई भी पीछे ना छूटे, ऐसी चर्चा कौन से SDG करेंगे, कोई भी पीछे ना छूट पाए, ऐसा क्या तात्पर्य SDG के अंतर्गत, SDG कहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये सारी चर्चाएं वहाँ पे करेंगे। गरीबी के मुद्दे, पॉवर्टी इश्यूज़ क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ क्या हैं, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, समावेशी संवर्धन, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या चीज़ होती है, ये सब चर्चाएं यहाँ पे की जाएंगी। गरीबी के मुद्दे के अंतर्गत कौन सी पॉवर्टी भारत में, किस प्रकार से पॉवर्टी, लकड़ा वाला समिति, और इसके अलावा तेंदुलकर समिति, ये सब चर्चाएं की जाएंगी। ठीक, अनएम्प्लॉयमेंट में कौन कौन से टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट क्या है, क्या समस्या चल रही है, ये सब चर्चाएं वहाँ पे करेंगे। सरकार के बजट के अवयव तथा वित्तीय प्रणाली, फाइनेंशियल सिस्टम जो है, इसकी चर्चा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की चर्चा कर लेंगे। भाई इसको क्यों बोलते हैं कि ये सारे 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 मंत्रालयों का बागडोर ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालता है, ऐसी क्यों चर्चा करते हैं। इसके अलावा सरकार के बजट के अंतर्गत रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल, ये सब चर्चा है, जो भी उसके अवयव हैं, जो भी उसके घटक हैं, उनके बारे में चर्चा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इनके बारे में चर्चा, इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्फ्लेशन क्या है, इसका क्या प्रभाव है, ये सब चर्चाएं छोटी छोटी करेंगे। ठीक, साथ में जीरो बेस्ड बजटिंग क्या चीज़ होती है, जीरो बेस्ड बजटिंग क्या है, क्यों कहते हैं इसको जीरो बेस्ड बजटिंग, जेंडर बजटिंग क्या चीज़ है, ये सब चर्चाएं थोड़ी थोड़ी देख लेंगे। ठीक है, जीरो बेस्ड क्यों कह रहे हो, बेस जीरो क्यों ले लिया, क्या कर दिया, ऐसा क्या कहते हैं जीरो कर दिया, जेंडर बजटिंग क्यों कह रहे हो उसको, परफॉर्मेंस बजटिंग क्यों कह रहे हो उसको, आउटकम बजट क्यों कह रहे हो उसको, है ना, आउटले आउटपुट, आउटले मैंने आपसे हमेशा बोला होगा शायद कि आउटले आउटपुट और आउटकम में डिफरेंस क्या होता है, आउटकम बजट पढ़ेंगे थोड़ा 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 जान लेंगे। प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, कृषि उत्पाद का भंडारण स्टोर करना है, ढुलाई करनी है, विपणन करना है, किसानों की सहायता के लिए ई तकनीकियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी ई टेक्नोलॉजी हैं, ई नैम क्या चीज़ है, ई चौपाल अपाल क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें चर्चा है। ई टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, तब बताएंगे कि दूरदर्शन में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, कौन कौन से ऐप बना दिए गए, प्राइवेट ऐप भी कुछ बनाए गए, उनकी चर्चा भी कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सब्सिडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के लिए तो बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है इस टाइम, इसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या शुरुआत है, C2 क्या होता है, C2 जिसके बारे में बार बार अमृत सेन भी कहते हैं C2 लागू करो, C2 लागू करो, क्या है C2 ये। इसके अलावा हम लोग देखेंगे डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट सब्सिडी, WHO सॉरी WHO कह रहा हूँ, WTO के द्वारा जो सब्सिडीज़ के बारे में चर्चा की गई है कि अम्बर बॉक्स क्या होता है, ग्रीन बॉक्स क्या होता है, ये सब बातें करेंगे, कौन कौन सी पेटियाँ हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS से संबंधित मुद्दे, उनके उद्देश्य, कार्यप्रणाली, सीमाएं, पुनरावृत्ति, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे, कृषि में प्रौद्योगिकी मिशन, कृषि में टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ये ई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी साथ में मिला के पढ़ लेंगे, ई टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी। ठीक, संबंधित मुद्दों के अंतर्गत PDS से संबंधित क्या प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है ना, आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चला रहे हो, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन PDS चला रहे हो, लेकिन कोई ना कोई तो ड्रॉबैक है जो अभी भी 100% लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। आखिर छत्तीसगढ़ का मॉडल ऐसा क्या है जो बहुत प्रभावशाली है ना, लेकिन और जगहों पे दिक्कतें हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं, क्या क्या समस्या, उसकी उसके चैलेंजेस क्या है, चुनौतियाँ क्या क्या है ना। तो अभी आपने हाल में वन नेशन वन राशन कार्ड कर दिया, इससे PDS का प्रभाव क्या पड़ने वाला है, तो ये सब चर्चाएं वहाँ पे करेंगे। ठीक, क्या दिक्कत है, इंटरनेट की समस्या चल रही है PDS में, तो इंटरनेट की समस्या क्यों है भाई, अब आपने कर तो दिया कि हर चीज़ इंटरनेट से ऐड कर देंगे, लेकिन पता लगा वहाँ पर फाइबर ही नहीं बिछाए, वो ऑप्टिकल फाइबर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा, क्योंकि तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का है, तो ये सब समस्या समझेंगे, क्या क्या उसकी समस्या, मुद्दे क्या क्या है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक स्थिति का विशिष्ट ज्ञान, अब यूपी वाला फिर से आ गया, तो फिर से मैं यहाँ पे यही बोलूंगा कि ये करंट अफेयर है, ये यूपी के करंट में आपको साथ में ऐड करके चलना है। ठीक, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित अगर कुछ भी हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से संबंधित अगर यूपी में कुछ भी हो रहा है करंट में, तो आपको वो जानना पड़ेगा। अगर कोई सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, कल्याणकारी योजनाएं महिला से संबंधित है, कुशल मंगल योजना हो गई, या फिर मिशन शक्ति हो गया, इस बार नहीं आया लेकिन मिशन शक्ति आने की संभावना अगली बार तो है ही, मिशन शक्ति नहीं पूछा उसने इस बार, लेकिन पूछ लेगा, ये सब चीज़ें आपको करंट में चल रही है, इसमें कुछ नया नहीं है, करंट पढ़ना है बस, करंट को यूपी से रिलेट करके पढ़ना है, पर्टिकुलरली यूपी से जाके कुछ ऐसा नहीं पूछता हूँ, करंट से पूछेगा जनरली। कृषि बागवानी वानिकी पशुपालन के मुद्दे, सिंपल, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा,
कुछ ऐसी कि नहीं कुछ नया स्कीम, जैसे ऑपरेशन शक्ति मैंने बोला, मिशन शक्ति मैंने बोला, तो महिलाओं से संबंधित है तो पूछ सकता है मिशन शक्ति के बारे में बता। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? परमाणु प्रसार के मुद्दे, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के कौन कौन से मुद्दे हैं, चरमपंथ और प्रसार, संचार नेटवर्क, मीडिया और सामाजिक नेटवर्क की भूमिका, साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भूमिका, कहाँ कहाँ से क्या क्या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती क्या है, स्मगलिंग क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग किस किस के कैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, आतंकवाद का इससे संबंध क्या है, आतंकवाद और ऑर्गेनाइज क्राइम में संबंध क्या है, ये सब चर्चाएं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है ना आतंकवाद, भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौती के अंतर्गत आतंकवाद लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार लिखा हुआ है, उग्रवाद लिखा हुआ है, संगठित अपराध और आतंकवाद में संबंध क्या है, आतंकवाद का संगठित अपराध पर क्या प्रभाव है, भ्रष्टाचार किस प्रकार से, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन क्या चीज़ है, शब्द बड़ा प्रयोग किया जाता है, एक्सट्रीमिज्म उग्रवाद क्या चीज़ है ना, उग्रवाद क्या चीज़ है, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो हम बार बार बोलते हैं और यही चर्चा करते करते बोल देंगे कि हाँ एक्सट्रीमिज्म के साथ अगर वायलेंस जुड़ जाएगा तो आतंकवाद हो जाएगा, तो वो डायग्राम भी बना के देखेंगे कि हाँ इसके साथ अगर ये प्लस कर दिया जाए तो वायलेंस अगर प्लस करेंगे तो आतंकवाद हो जाएगा, उग्रवाद आखिर क्या चीज़ है, संगठित अपराध आखिर क्या चीज़ है, संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग का क्या संबंध है, संगठित अपराध और आतंकवाद का क्या संबंध है, दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ ही रहा होगा, इसका साइबर सिक्योरिटी से क्या संबंध है, सुरक्षा बलों की भूमिका, इसके अंतर्गत हम लोग जनरली इसमें इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बहुत कम जो करंट में जो भी कुछ चल रहा होगा उसी को देखेंगे। ठीक, करंट में जो भी कुछ चल रहा होगा उसी को देखेंगे। ठीक, करंट में जो भी कुछ चल रहा होगा, करंट में जो भी कुछ चल रहा होगा वो उसी को देखने, भारत के उच्च शिक्षा संगठन मतलब जो भी करंट में चल रहा है, मान लीजिए DRDO बहुत ज़्यादा करंट में है तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, या मान लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में परिवर्तन करने की बात चली तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, सीमा सशस्त्र बल SSB के बारे में कुछ अगर चर्चा चल रही तो उसके बारे में, NSG के बारे में बात, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बारे में कुछ चल रहा है तो चर्चा कर लेंगे, तो जो चल रहा होगा उसी में चर्चा करेंगे। तो ये जनरल पेपर थर्ड तक हम लोगों ने चर्चा कर ली कि किस प्रकार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, यूपी जहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ मैं बोल रहा हूँ करंट के साथ पढ़ना, वहाँ करंट के साथ ही पढ़ना, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, वहाँ करंट के साथ ही पढ़ना है। और जहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाँ मैं बताऊँगा उस पोर्शन को, मैं बता रहा हूँगा आपको, मैं पर्टिकुलर टॉपिक छोटा छोटा लेके चलूँगा कि देखो अगर मैं आपको साइबर सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहा हूँ तो मैं आपको साइबर सुरक्षा के बारे में जितने मुख्य मुख्य बिंदु हो सकते हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, भारत का क्या उससे संबंध है, भारत साइबर सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है ना, कौन सी स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, साइबर डोम क्या है, केरला का कौन सा प्रोजेक्ट है जो साइबर सुरक्षा में बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, ये सब चर्चाएं हम धीमे धीमे कर लेंगे हर टॉपिक पे, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको उठा उठा के। ठीक, तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तब भी अगर आपको लगता है कि आप इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो TMH की एक बुक आती है उससे आप पढ़ सकते हैं, TMH की इंटरनल सिक्योरिटी पर एक बुक आती है उसको आप अगर TMH के पब्लिकेशन के देख लेंगे तो उससे आपका इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। ठीक, काफी हद तक कवर हो जाएगा, कुछ चीज यहाँ पर अभी मिसिंग सी है, कुछ टॉपिक इसमें इन्होंने लिखे नहीं है, मुझे जो PPT प्रोवाइड कराई गई है देखता हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर से इसको इंग्लिश वाले में भी डाउनलोड कर दूंगा ताकि आपको ये आसानी रहे समझने में, कहीं पे कुछ तो मिसिंग नहीं हुआ है, देख लेंगे धीमे धीमे जब एक टॉपिक पकड़ेंगे तो इसको हम पूरा करते चले जाएंगे। ठीक, कुछ एक दो टॉपिक यहाँ पे मिसिंग लग रहे हैं, कुछ एक दो टॉपिक मिसिंग है जो मुझको दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक, और जो ही मैं बोल रहा हूँ कि मिसिंग मुझे दिखाई नहीं रहा है इसका मतलब मैं इस सिलेबस को रट के बैठा हुआ हूँ, तो आपको भी यही काम करना है कि जब मैं अंत में GS 3rd के बाद GS 4th में कुछ ऐसा बचा नहीं, GS 4th में आपको पर्टिकुलरली इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेयर एटीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड क्या होता है, इसके लिए कोई अलग से टीचर फैकल्टी रहेगी, वो आपको GS 4th इथिक्स पढ़ाएगी। ठीक है, GS 4th के बारे में वो चर्चा करेगी क्या बहुत माइन्यूट माइन्यूट से डिफरेंस है, वैल्यू क्या होती हैं, मॉरल क्या होते हैं, इथिक्स क्या आखिरी चीज़ है, इन तीनों का संबंध क्या है आपस में, कौन से पॉइंट हैं जो आपको एटीट्यूड में आपको हमेशा कैब के बारे में चर्चा की जाएगी, तो ये सब चीज़ें वो बताएंगे आपको हिंदी में पूरा पूरा, ये आपको समझाएंगे एथिक्स के बारे में। ठीक, तो ये मुझे मौका मिलेगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन जहाँ तक कोई और ही इसको आपको पढ़ा रहा होगा केस स्टडी और एथिक्स के बारे में। ठीक, तो
तो अब इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सिलेबस जो आपका पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम आपको बहुत हद तक याद होना चाहिए। GS 1 2 3 खासकर GS 1 2 3 आपको याद होना चाहिए, आपके टिप पर होना चाहिए। जैसे मैंने भी बोला कि कुछ टॉपिक मुझे मिसिंग लग रहे हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपको याद होने चाहिए कि हाँ ये टॉपिक GS 1 में है, ये टॉपिक GS 2 में है, ये टॉपिक GS 3 में। टॉपिक वाइज आपको हर चीज़ रटी होनी चाहिए, टॉपिक तो कम से कम रटा होना चाहिए। डुअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कहीं पर लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कहीं पर लिखा है, GS 3rd या GS 2 पेपर में या GS 1st में ये लिखा हुआ, लैंड रिफॉर्म्स लिखा हुआ है, फ्रीडम स्ट्रगल की बातें की गई हैं इस पेपर में, तो ये आपको टॉपिक रटा होना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक है, ये आपको रटे होने चाहिए एकदम। आप कहेंगे उससे फ़ायदा क्या है, तो पहले रटिए, फिर मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा कि फ़ायदे क्या क्या हैं उसके। एक ऑप्शनल के रिगार्डिंग, हर तरह का ऑप्शनल जो फेमस ऑप्शनल है उनकी जेव स्टडी पर क्लासेस होंगी। फॉर एग्जांपल PSIR का कोई सर क्लास लेंगे ही लेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास लेंगे ही लेंगे, हिस्ट्री की क्लास लेंगे ही लेंगे, ज्योग्राफी क्लास होगी होगी। ऑप्शनल के बारे में ये बात कर रहा हूँ मैं, तो ये ऑप्शनल यहाँ पर कवर कराए जाएंगे, जो मुख्य मुख्य ऑप्शनल हैं वो कवर करवाए जाएंगे। सोशल वर्क और डिफेंस स्टडी पहले ही पाठ्यक्रम से हट चुका है, तो इसके बारे में कोई सोचेगा नहीं बैठ के कि अरे डिफेंस स्टडी ले ले, नहीं वो तो हट ही गया। वैकल्पिक विषय आपके पास ये सारे के सारे हैं। आजकल विज्ञान का बड़ा भोकाल चल रहा है, तो अभी अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, मैथ वाले, भूगोल वाले, ये सब बड़े चर्चा में चलते हैं, अगर है तो ले लीजिए, नहीं तो आप ये सारे के सारे आपके पास वैकल्पिक विषय हैं, आप अपना चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। ठीक, अब पर्सनालिटी टेस्ट, तो ये तो पहले चर्चा हो गई मेंस में, मुख्य परीक्षा की में हमने चर्चा कर ली, GS 1 2 3 4 और प्लस ऑप्शनल। उसके बाद जब आप इसको पार कर देंगे तो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा। पर्सनालिटी टेस्ट के अंतर्गत तो जनरली आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी, लिखा हुआ टेस्ट ही पर्सनालिटी का है, तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, पॉजिटिव एटीट्यूड है कि निगेटिव एटीट्यूड है, क्या आप न्यूट्रल हैं, आप इम्पार्शियल हैं या नहीं है, आपकी सोच में इम्पार्शियलिटी दिखती है कि नहीं दिखती है, न्यूट्रलिटी है कि नहीं है, कंपेशन है तो किस लेवल तक का है, एम्पैथी, सिंपैथी, एपैथी, ये सब चीज़ें क्या हैं, है ना। एनोनिमिटी के बारे में कुछ चर्चा कर ली जाएगी आपको वहीं पे, कि ऐसा तो नहीं है कि आप ज़्यादा बड़ा ऐसा हो कि हर चीज़ में लाइमलाइट में रहना चाहते हो। इस तरह से आपका पर्सनालिटी टेस्ट किया जाएगा ताकि आपके बारे में सारी चीज़ें जान ली जाएँ। ठीक है, आपके बारे में सारी चीज़ें जान ली जाएँ। तो पर्सनालिटी टेस्ट का जब इस स्तर तक पहुँचेंगे तो इसकी अलग से कुछ 4 5 लेक्चर, जिसमें ये बताना कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस कहाँ पर, मतलब क्यों बनना चाहते हैं आप, अगर ये बनना चाहते हैं, इतने साल आपने क्या किया, प्रिपरेशन कब से कर रहे हैं, आपने क्या जॉब में किया है, जॉब से संबंधित क्वेश्चन, क्या आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, इसके बारे में चर्चा कर दीजिए, ये बता दीजिए, वो बता दीजिए। तो ये सारी चर्चाएं तब करेंगे जब हम मेंस पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके होंगे और उसमें सेलेक्ट होने के बाद लोग पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ पहुंच रहे होंगे। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया GS 1 2 3। 4th पेपर को मैंने छोड़ा, उसका कारण है कि GS 4th पेपर को जो स्पेशल स्पेसिफिक उसी को पढ़ाएंगे, वो उसको टैकल कर लेंगे, आपको ज़्यादा 4th पेपर में भी कुछ है नहीं, GS 4 एथिक्स में भी कुछ है नहीं, वही टैकल करेंगे। नहीं होगा तो फिर मैं उसमें, क्योंकि मुझे GS 4 पेपर में दिक्कत नहीं होती, लेकिन कुछ टर्म ऐसे हैं जिनको हिंदी में प्रयोग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। GS 1 2 3 में ऐसी दिक्कत नहीं होती, 4 में ऐसी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, इसलिए आपको एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक व्यक्ति ही ये आपको पढ़ाएगा GS 4। ठीक, GS 1 2 3 में टैकल कर लूँगा, उसमें जितना मैं बताऊँगा उतना ही आपको, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, जितना बताता था उतना ही आपको पढ़ते चले जाना है। ठीक है, तो ये इसके अतिरिक्त आखिरी में जो अंतिम बात कर ली जाए वो ये, अब जो लेक्चर हैं जो आपको जनरली मैं बताता चला जाऊंगा प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे वीडियो लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। तो आप कहेंगे फिर ये इस प्रकार से ये क्या लिखा हुआ है, देखिए पेड कोर्स हैं, टेलीग्राम कार्यक्रम जो हैं, जिनके अंतर्गत आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो तो आपको यूट्यूब पे मिल ही रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो तो आपको सब कुछ फ्री मिल ही जाएगा, जैसे ऑप्शनल आपको फ्री नहीं मिल पाएगा, वो लेक्चर आपको वीडियो पे नहीं मिल पाएंगे, वो आपको पेड ग्रुप में ही मिल पाएंगे ऑप्शनल के जितने भी लेक्चर हैं। टेस्ट आपको फ्री में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि बड़ी बनाने में इनमें बड़ी मेहनत लगती है, और उस मेहनत का भी अगर फल नहीं मिल पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो PDF नोट्स इस टेलीग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत आपको मिलेगा, स्पेसिफिक वीडियो प्लस टेस्ट, ये आपको टेलीग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत रहेंगे।
ये पेड कोर्स के अंतर्गत आपको विभिन्न विभिन्न कोर्सेज जो हैं दिखाई दे रहे होंगे। ये भी PCS प्री संपूर्ण कोर्स हिंदी में टेस्ट के साथ 3,000 रुपीज़ में, UPPCS प्री टेस्ट दोनों भाषा में सीरीज 30 टेस्ट 1,000 रुपीज़ में। अगर सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज करनी है, आपको प्री का संपूर्ण कोर्स नहीं चाहिए, आपको PDF PDF नहीं चाहिए भैया, हमको सिर्फ टेस्ट देके हम काम चलाएंगे, दोनों भाषा में टेस्ट इंग्लिश हिंदी में रहेगा, 30 टेस्ट रहेंगे तो 1,000 रुपीज़ फीस है आपकी। UPPCS मुख्य परीक्षा संपूर्ण सामान्य अध्ययन के चारों पेपर नोट्स, इन चारों पेपरों के नोट्स, वीडियो, उत्तर लेखन, टेस्ट, इसकी फीस है 5,000 रुपये। मतलब यहाँ पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राइटिंग प्रैक्टिस हम आपको राइटिंग करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप अपलोड करके देंगे कि हाँ देखिए सर हमने ये लिखा है, उसको चेक करके आपको वापस दिया जाएगा कि देखिए यहाँ पर ये कमी है, एक मॉडल आंसर दे देंगे कि यहाँ देखो ये पॉइंट होना चाहिए था, ये मिसिंग हो गया, ठीक ये होना चाहिए था, तो ये कॉपी में आपकी किया जाएगा चेक कर दी जाएगी, और आपको एक मॉडल आंसर भी दिया जाएगा कि देखिए क्वेश्चन ये था, उसको आपको टाइम भी दिया जाएगा कि हाँ भैया इतने घंटे में इसको सबमिट कर दीजिए, PDF फॉर्म में फोटो लीजिए और सबमिट करिए। तो ये ऑनलाइन का फायदा होता है, घर बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हैं। सिर्फ उत्तर लेखन कार्यक्रम फीस 2,000 रुपीज़ है, सिर्फ आपको आंसर राइटिंग करनी है। अगर PCS प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी, 6,000 रुपीज़ में आपको प्रारंभिक मुख्य परीक्षा दोनों एक साथ में हो जाएगा 6,000 रुपीज़ में। वैकल्पिक विषय के लिए वीडियो, PDF, उत्तर लेखन, भूगोल, समाजशास्त्र, विधि, इतिहास, लोकशास्त्र, इनका अलग से फीस है, इनका अलग से फीस है। मैंने आपसे बताया कि वैकल्पिक विषय के लिए आपको वीडियो वहाँ पर फ्री में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, इनके लिए अलग से। अगर आपको ऑप्शनल कोई भी कवर करना है जिसके अंतर्गत जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, लॉ, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदी लिटरेचर, ये इतने लोग हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, ये जो नोट्स होंगे, जो PDF फॉर्म में जो वीडियो होंगे, जो विषय विशेषज्ञ हैं वो आपको सारा कुछ प्रोवाइड करा देंगे, साथ में आप यहाँ पर उत्तर लेखन भी कर पाएंगे। बाकी सभी वैकल्पिक विषयों के नोट्स जनरली हमारे पास उपलब्ध हैं, इनके वीडियो लेक्चर, PDF और ये उत्तर लेखन यहाँ पर हो जाएगा, तो 6,000 रुपीज़ है। बाकी जो अन्य बचे हुए वैकल्पिक विषय हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर हो गया या फिर और कोई विषय हैं, उनके अंतर्गत नोट्स जनरली PDF फॉर्म में अवेलेबल हैं, 1,000 रुपीज़ में आप किसी भी वैकल्पिक विषय के नोट्स PDF फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक। तो ये आपको विस्तृत रूप से देखना है। यहाँ पर RO ARO वाली चर्चा मैं फिर से नहीं कर पाया, तो मैं RO ARO की एक बार चर्चा कर देता हूँ आखिरी में आते आते, कि RO ARO का क्या है, किस प्रकार से आपको करना है। RO ARO के अंतर्गत फिर वही सेम टेलीग्राम पर आपको PDF वीडियो और नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा संपूर्ण कोर्स प्लस टेस्ट दोनों पेपर की फीस है 1,100 रुपीज़, ओके ओनली। प्रारंभिक परीक्षा संपूर्ण कोर्स प्लस टेस्ट दोनों पेपर जो आपको मिलेंगे GS और हिंदी, उसकी फीस है 1,100 रुपीज़। अगर RO ARO मुख्य परीक्षा फीस फुल कोर्स प्लस प्रैक्टिस, मतलब ये प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम की बात करी जा रही है और मेंस की बात की जाएगी, जब आप प्री निकालेंगे तो मेंस के लिए 1,100 रुपीज़, शुरुआत तो अभी से करनी पड़ेगी। RO प्री प्लस मेंस अगर आपको दोनों एक साथ करने हैं तो 2,000 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पर आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक। तो अब ये अगर आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए, अभी भी डाउट लगता है कि नहीं सर फीस का क्या किस प्रकार से करना है, तो ये डिटेल आपको आप मुझे पिंग कर देंगे तो मैं डिटेल आपको ये सेंड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो अभी आपका काम हो जाएगा। मुझे पिंग करने के लिए आप इस नंबर पे आप मुझे पिंग कर देंगे, अगर आप ये प्रक्रिया पूर्ण कर लें, या फिर अगर आप ये प्रक्रिया पूर्ण ना कर पाएँ, आपको उससे पहले मुझसे जानकारी लेनी है, तो आप मुझे 6396743810 पर इस पर आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप कर देंगे कि सर मैं जानकारी चाहता हूँ कैसे कैसे क्या करना है। अगर आपने प्रक्रिया कर ली है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट इस नंबर पर भेज देंगे, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर पर ऐड कर लेंगे, ये जो भी ग्रुप चल रहा होगा उस संबंधित ग्रुप में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने RO ARO का लिया तो आप पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे कि सर ऐसा ऐसा हो गया, तो हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये संपूर्ण प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माई नेम इज़ प्रियांशु दुबे, मैं शुरुआत में बोल चुका हूँ। कई लोगों का पूछना था कि सर कंप्लीट, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं 2021 में पूरे साल आपके साथ रहने वाला हूँ, पूरे साल। यूनिवर्सिटी में मैं बीच में गायब हो गया था सर, कारण कुछ था, लेकिन अभी मैं पूरे साल साथ में रहूँगा, रिव्यू ऑफिसर के समीक्षा अधिकारी के अंत तक रहूँगा, साथ में PCS अपर के अंत तक मैं आपके साथ में रहूँगा, अंत तक, जहाँ तक आप जाएंगे, जहाँ तक जितने बच्चे भी साक्षात्कार तक पहुँचेंगे उनके साथ में लगा रहूँगा, और यही रिव्यू ऑफिसर में भी मैं अंत तक रहूँगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ
बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। कल से शुरुआत होगी, कल से आपका ये लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। कल से हम इस पर पूर्ण चर्चा करना शुरुआत कर देंगे। कल से शुरुआत होगी, तो कुछ बच्चों ने कहा था सर बता दीजिए क्या पढ़ाएंगे। तो कल मॉर्निंग में पहले रिव्यू ऑफिसर का एक क्लास रहेगा, जिसके अंतर्गत जीएस मॉडर्न इंडिया, मोस्ट प्रोबेबली मॉडर्न इंडिया से शुरुआत करेंगे। एक सिंपल सी चीज़ उठाएंगे ताकि आराम से चीज़ें खत्म हो। और इवनिंग में हम लोग पढ़ रहे होंगे तो पीसीएस अपर के स्तर पे हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो पीसीएस अपर के स्तर पे भी मॉडर्न इंडिया में कुछ अलग चीज़ें जो मुझे लगता है कि अपर के स्तर पे आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अपर के स्तर पे आपको पता होनी चाहिए। पीसीएस अपर में आपको जो पता होगा वो शाम को पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया, लेकिन एक अलग लेवल पर पढ़ेंगे। और सुबह जो हम रिव्यू ऑफिसर के लिए पढ़ेंगे वो एक अलग लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों चीज़ों को अलग अलग करेंगे। तो कल पहला वीडियो मॉडर्न इंडिया पे आएगा आपका। ठीक, तो पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।